नमस्कार। असल में मुंबई आकर के मैं थोड़ा कांपने लगता हूँ एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सबसे पहले जोरदार तालियां हमारे प्रफुल्ल भाई के लिए। अभी जब ये कह रहे थे ना कौन है ये आदमी, तो मुझे मिस्टर त्रिवेदी याद आ रहे हैं। गौर से देखो इस आदमी को, मुझे वही याद आ रहे थे कुछ कुछ। कैसे हैं आप सब लोग? मैं जानना चाहूँगा आप में से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम है, एक्चुअली उन्हें फॉरएवर नहीं पता है बिल्कुल भी। ऐसे भी कुछ लोग बैठे हैं क्या? ओके, आपको फॉरएवर नहीं पता अभी क्या है। ओके, नो इशू। थोड़ा सा मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पंकज गुप्ता है और वर्ष 1988 में मेरा सिलेक्शन हुआ था CRPF में। वहाँ मैंने एज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। देन उसके बाद 1992 में मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। 1993 में मैंने ज्वाइन किया फिर कस्टम्स। इसके अलावा मेरे 5 और भी सिलेक्शंस हुए जो 3 बैंक्स में और 2 इंश्योरेंस सेक्टर में थे। अब ये कहकर के मैं कोई शेख ही नहीं बघार रहा हूँ। आप में से कितने लोग स्टूडेंट्स बैठे हैं? क्यों पढ़ रहे हो भैया, क्यों पढ़ रहे हैं आप? सिर्फ नॉलेज के लिए? कितना कंजूसी से आंसर दिया आज बच्ची ने। किस लिए पढ़ रही हो आप? नॉलेज के लिए, नॉलेज एंड डिग्री। ओके, और कोई, और कौन कौन पढ़ रहे हैं? कितने लोग वाकई नॉलेज एंड डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं? अभी हाथ नहीं उठाए। कुछ और भी है ना इसके पीछे, नॉलेज और डिग्री के बाद क्या करोगे आप? जॉब। अच्छा, मजे की बात क्या है, मेरी अपनी खुद की व्यक्तिगत रिसर्च कहती है कि मैंने आज तक ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों से पूछा है, कोई बंदा मुझे यह कहता हुआ नहीं मिला मैं पढ़ इसी ले रहा हूं कि मुझे बिजनेस करना है। और मैं कंक्लूजन पर पहुंचा कि दुनिया का बेस्ट एवर इंस्टीट्यूट भी आपको सिर्फ एक बात सिखाता है, आप किसी की नौकरी कैसे कर सकते हो। दिस इज फॉर एवर, जो आपको पहले दिन से सिखाता है आप अपना व्यापार कैसे कर सकते हो। मुंबई की तालियां मैंने बहुत अच्छी सुनी थी जब मैं लास्ट टाइम आया था, उन तालियों में बड़ी अच्छी गड़गड़ाहट थी। आज वो गड़गड़ाहट नहीं नजर आ रही मेरे को, पता नहीं क्यों। देखिए, अगर आप अगले करीब करीब 5 घंटे अगर जुड़े नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कितने लोग 5 घंटे बैठने के लिए तैयार हैं? मैं पहले से जान लेता हूँ। वाओ, ग्रेट। सो बहरहाल, मेरे जीवन में फॉरएवर क्यों आया? मैं जब जॉब कर रहा था और वर्ष 1995 में मेरी शादी हुई, शादी के बाद 2 साल बाद बेटी हुई, तो जो सैलरी पहले अकेले को बहुत अच्छी लग रही थी, 2 में होते ही डिवाइड होते ही कम लगने लगी, 3 होते ही और कम, फिर जब बेटा हुआ वर्ष 1998 में, तो अल्टीमेटली वो जो सैलरी 1 थी वो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। और धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, जब बच्चे बढ़ने लगे तो स्कूल भी जाना है, वहाँ की अच्छी खासी फीस भी है, तो बर्डन बढ़ने लगा। मेरे पास 2 विकल्प थे, एक मेरा विभाग कस्टम डिपार्टमेंट, वो मुझे गवारा नहीं था एक्चुअली, तो मुझे कुछ ऐसे विकल्प की तलाश थी जो मुझे अच्छा पैसा कमाने के लिए दे सके रहा। और फॉर्चुनेटली मेरे जीवन में वर्ष 2004 में फॉरएवर आया। मैंने 18 दिसंबर 2004 को फॉरएवर शुरू किया और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मेरे अपलाइन मिस्टर जेके गुप्ता, मिस्टर टीपीएस बेदी, अरुण सुराना, सुनील गुप्ता जी के लिए जोरदार तालियां, बिकॉज उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि यार चल इस पे भी एहसान कर दे फॉरएवर के बारे में बता के। और उस एहसान का परिणाम यह हुआ कि मेरा पूरा जीवन बदल गया, जो मैं आपको एक छोटी सी क्लिपिंग में आगे दिखाने वाला हूं। कितने लोग अपना जीवन बदलना चाहते हैं? हाय हाय, ये जवाब बड़ा प्यारा होता है। आप किसी से पूछो मैं तैयार हूं, अगर किसी के 5 मिनट खड़ा कर लो हाथ को ऐसे ही, तो जीवन बदल जाएगा? तो नहीं यार, तैयार है हम 5 मिनट हाथ खड़ा करके जीवन बदल जाएगा आपका? देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं 5 मिनट। जिन लोगों को हाथ उठाने में दिक्कत होती है, एक सलाह दे रहा हूं, एलोवेरा जेल पीना शुरू कर दीजिए। ओके, मैं आपको सबसे पहले एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो आज पूरे देश को, जिन्होंने बहुत ऊंचा नाम दिया है पूरे देश को, उन्होंने पूरे विश्व में एक नाम दिया है, जानते हैं कौन? ओके, और वो भी सर से बाद में मिलते हैं आज। एक और है जिन्होंने पूरे देश को पूरे विश्व में एक बहुत कीर्तिमान स्थापित करने के लिए नाम दिया है। यस भी आप तो ऐसे करो जैसे बहुत बुरी वाली यस थी। अच्छा लगा आपको ये वीडियो? आज कुछ ठंडे हैं लोग यहाँ पे, क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ है, मुंबई के लोग तो वैसे ही बड़े गर्म होते हैं। आज कुछ ठंडा सा पन लग रहा है, क्या बात?
आर यू एक्साइटेड? व्हाई आर यू एक्साइटेड? नो गुड, द आंसर इज वेरी गुड. व्हेन आई आस्क यू कि आर यू एक्साइटेड, यू सेड यस, बट व्हाई आर यू एक्साइटेड? ओके, मुझे कुछ चीजें जो इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत अच्छी लगी, जो मैंने आपके अभी पीछे लिखा भी, पीछे भी लिखा हुआ था मैंने, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं. यू नो, जब मैं फॉरएवर शुरू कर रहा था तो इसमें से काफ़ी सारी बातें हम सबसे रिलेट करती हैं. हम सब लोगों को शुरुआती दौर में लोग पागल कहते हैं. कहने दो, ईसा मसीह को पागल ही कहा था लोगों ने, गांधी जी को पागल ही कहा था लोगों ने. अगर हमें भी कहने, इसका मतलब हम आम आदमी नहीं हैं, अब हम खास लोग बनने वाले हैं. तो लोग अगर आपको पागल कहने लगे हैं तो यकीन मानो आप कुछ अलग कर रहे हो. मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे अभी आप लोग, मैं बताता हूं आपको. आप में से कोई नौकरी करते हैं? आप करते हैं नौकरी? सर, आप जब सुबह नौकरी के लिए घर से निकलते हो तो क्या कोई आपका पड़ोसी कहता है, देख 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 नौकरी करने जा रहा है, ऐसा कोई कहता है? कहता है कोई? आप में से कोई बिजनेस करता है? बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हो? सर, आपको किसी ने कहा, अरे देख वो जा रहा शटर उठा ले? नहीं कहा, क्योंकि ये वो काम है जो आम काम है, आम आदमी कर रहा है. जब आदमी कुछ खास करता है तो लोग हंसी उड़ाते हैं. तो मैं शुरुआत में आपको एक बात कहना चाहूंगा जो मेरा बड़ा फेवरेट स्टेटमेंट है, कि ये जग जिस जिस पर हंसा है, इतिहास भी तो उन्होंने ही रचा है, राइट? सो इस स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज जो मुझसे मैच करती थी वो ये थी कि यस, मुझे मेरे जीवन में कुछ चाहिए था. मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे मैं अपने परिवार को, मैं अपने बच्चों को अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूं. मैं मेरे जॉब से सेटिस्फाइड था, ऐसी बात नहीं था, लेकिन वहां पर मुझे सिर्फ दो जून की रोटी मिलती, दो वक्त की रोटियां, ओके, दो वक्त की रोटियां काफी मिल पाती थी, लेकिन जो एक्चुअल लाइफ स्टाइल मैं देना चाहता था मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को, वो शायद नहीं दे पा रहा था. तो वर्ष 2004 में जब मेरे सामने फॉरएवर आया तो मुझ पर भी कुछ लोगों ने कहा, अरे बेकार की बात है, बेकार के लोग, बेकार का काम, कुछ काम नहीं है, इस काम में कुछ नहीं रखा है. आपको भी कहते हैं लोग? yes. सही से बताइए, कहते हैं नहीं कहते हैं? yes. हाँ, दिल से निकालो आवाज, ये गंदगी बाहर निकलेगी जब आप यस कहोगे. तो अब जब लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं इस कंपनी को देख चुका था, मैं इन प्रोडक्ट्स को देख चुका था, मुझे इस कंपनी का भविष्य नजर आने लगा था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बड़ा आश्वस्त था, तो मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता. देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस बिजनेस. धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा और सबसे पहला चेक जो आया था वो 471 रुपए का था, 471. और वो प्यार तो कभी किसी से खास हुआ नहीं, लेकिन वो एक पेर सुना था कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है. आए आए, सर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सर. नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है. आगे बस ठीक है. तो मुझे लगा कि ये समय लगेगा, लेकिन यस, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है. और अगले महीने वो चेक 2186 हुआ, फिर 6124 हुआ, फिर उसके बाद 9000, फिर 10000, फिर 25000, फिर 45000. धीरे 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 इनकम्स बढ़ते चले गए और अल्टीमेटली वो जो मोदी जी कह रहे थे कि फिर लोग कहने लगते, अरे हमें पता था कर लेगा ये. वही लोग जो पहले कहते थे अरे पागल हो गया ये, अरे हमें पता था कर लेगा ये, वही लोग आपके पास आने लगते हैं. वही लोग मेरे पास आने लगे, यार पंकज भाई हमें बताओ यार कुछ, यार तुमने हमें बता ही नहीं रहे हो यार. एक्चुअली मुंबई में हूं तो थोड़ा मुंबई वाले अंदाज में रहूंगा आज, ओके. तो पॉइंट क्या है कि धीरे धीरे बिजनेस बढ़ा और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस बिजनेस से एक बहुत अच्छा इनकम, एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल कमाया, जो भी आप एक वीडियो में देखने वाले हैं. मैं अगर बात करूं, यहां आज मैं आप लोगों से मुख्य रूप से दो बातें करने के लिए खड़ा हूं. जिन लोग जो लोग फर्स्ट टाइम यहां पर आए हैं, जिनको फॉरएवर के बारे में भी कुछ नहीं पता है, आप निश्चिंत रहिए, यहां के बाद आप फॉरएवर के बारे में जान के जरूर जाओगे. जो नहीं पता आपको वही जान के जाओगे, भाई बता दे यार ये बिजनेस क्या, ये पक्की बात है. मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको. मैं आज आपसे दो तीन बातें मुख्य रूप से करूंगा. पहली, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग की, चलेगा? दूसरी, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, कुछ चैलेंज आपसे आपको दूंगा मैं, एक चैलेंज, एंड आई विश कि मैं उसमें जीत जाऊं. खुला चैलेंज होगा, इतने बड़े हॉल में वो खुला चैलेंज होगा जो मैं आपको देने वाला हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए. ओके, तो दो बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं. आई विश ये काम करेगा, ये करेगा, अच्छा मेरा वाला करेगा. ओके,
यहाँ कुछ चीजें मैं आपके समक्ष सबसे पहले भी दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने जीवन में अपने लिए क्या चाहते हैं। कुछ चीजें सोचिएगा, हो सकता है इनमें से कोई चीज आपको मिल जाए जो आपके जीवन से मिसिंग हो। हो सकता है आप अपने लिए एक अच्छी सी कार चाहते हो। कितने लोग अच्छी सी कार चाहिए? वाओ वाओ, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं यार नहीं कार नहीं अच्छी चीज। अच्छा मकान कितने लोगों को चाहिए? वाओ। हो सकता है आपको अच्छी एजुकेशन अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन देने का मन हो, है या ना? Yes. है। और अच्छा अच्छा हेल्थ कितना अच्छा रहेगा अगर आपका हो तो? कितने लोगों का सपना उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे? ये सबका होगा, ये 100% सबका होगा। या हो सकता है आप चाहते हो कि आप दुनिया में बहुत सारी चैरिटी करें और आपके पास बहुत सारा पैसा हो और साथ ही साथ आपके यार दोस्त बहुत सारे हो, सोशल सर्किल बहुत बड़ा हो। या हो सकता है आप मुक्ति चाहते हो, फ्रीडम। कितने लोग फ्रीडम चाहते हैं? वाओ। किससे? क्योंकि शादीशुदा लोग ओके तो फ्रीडम किससे डिसाइड आपको करना होगा, राइट? बहरहाल फॉरएवर ने मुझे क्या दिया, मैं एक छोटी सी आपको वीडियो क्लिप दिखाने की कोशिश करूंगा, आई होप ये चल जाएगी। ऐसी कहानियां जब मैं सुनता हूं हमेशा मेरे जहन में ये बात आती है, हमने वो क्या सही किया कि हमें ये जिंदगी मिली और इन्होंने क्या गलती की कि इनको ये जिंदगी मिली। हो आती है आवाज जो दिल की वो तू सुन ले, मंजिले है पुकार दे खुशियों को तू चुन ले। ओ करुण खुद से ये वादा टूटेगा ना इरादा, ओ नामुमकिन कुछ भी नहीं जहां मैं जान ले। दिल में इतना यकीन तू रख ले सच हो I'm
लोगों के सपने निकलने शुरू हुए अंदर से बाहर आए, आए कुछ लोगों के, फॉर एवर वो पावर देती है, बिलीव मी। एक फ्रीडम शब्द लिखा था ना मैंने, यूं मेरा जॉब बहुत अच्छा था, यूं मेरे जॉब में ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं थे जो खासतौर से प्राइवेट जॉब्स में मैं देखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बंधन ज़रूर थे। बंधन थे कि मैं यूट्यूब पर नहीं आ सकता था, बंधन थे मुझसे रॉयल ने कहा पंकज भाई क्या क्या एडिट करना है, मैंने सब बंदाज देने का कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले ये बंधन थे कि एडिट होकर के जाना है, बंधन ये था कि मैं लिख नहीं सकता था, बंधन ये था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रंट पे नहीं आ सकता था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अभी हाल ही में 12 जनवरी 2017 को 10 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलने वाली उस जॉब को त्यागपत्र दे दिया है। थैंक्स फॉर एवर। अभी तालियां बड़ी कंजूसी से बजा रहे हो, मुझे पता नहीं डर लग रहा है आपको यार ये हमारी भी नौकरी छुड़वा देंगे, इस वजह से डर के काम कर रहे हो। तो फिर अभी आपने सुना था जॉब सीकर की मानसिकता से बाहर आना होगा, बोला था ना मोदी जी ने अभी। ओके, सो द पॉइंट इज हम ये नहीं कह रहे आप जॉब छोड़ दीजिए, हम ये कह रहे हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए एक राह अगर आपको मिले तो क्यों ना उसको चुना जाए। राइट, ओके। आज जो भी ये सेशन में आप लोगों के साथ लेने जा रहा हूं, मुझे एक बात पक्का बताएं कि कुछ समय बाद इस रूम में से कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी होगी जो जरूर बदलने वाली, मुझे नहीं पता वो आप में से कौन बैठा है, लेकिन ये मैं दावे से कहता हूं कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनकी जिंदगी बदलने वाली और वो इस रूम में बैठे हैं। अगर वो आप हैं तो कृपया करके अपने कागज अपने पेन बिल्कुल रेडी रखिए, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और दिमाग के लिए मेरे गुरु कहते थे कभी भी खराब हो जाता है, कागज एक ऐसी लिख लिया तो लिख लिया, फिर कभी खराब नहीं होगा जब तक आप उसे पानी में नहीं डाल दोगे, तो प्लीज राइट देम डाउन। ओके, अब जरूरतें और सपने जब हम इनकी तुलना करते हैं तो पूरे किस चीज से होने हैं? ओप्स, आई एम नॉट अकस्टम टू दिस वन। ओके, दिस इज द पॉइंटर। या जो पूरे होने वो किस चीज से होने हैं? हमारे इनकम से। अब वो पुरानी कहावत है साहब, आमदनी चवन्नी, अभी तो रुपया से काम नहीं चलेगा, जब ये बनी थी तब होगा आमदनी चवन्नी खर्चा रुपया, अभी तो आमदनी चवन्नी खर्चा मेरे ख्याल 10-12 रुपया। ओके, तो ये जो जरूरत और सपने हैं एक्चुअली ये इसके सामने बहुत छोटे होते हैं, और महंगाई किस तरह से तेजी से बढ़ रही है एक छोटे से वीडियो से आपको और पता चलने वाला है कि महंगाई का रेट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। बड़ा प्यारा वीडियो है ये, छोटा सा। अरे आ रहा हूं, आ रहा हूं। गैस भाऊजी। हां हां, कितने हो भाई? 1248। 1200 हो गया भाऊजी। कितना हुआ? 60 रुपए सर। एक सरदर्द की गोली देना यार। 144 रुपए क्या? अरे दाम, ये हेल्पर, ये दूध कैसे दिया? 180 रुपए लीटर। क्या बात कर रहा है? पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपए लीटर। 230? एक तो नेक्स्ट स्टॉप। 50 रुपए। 50? अरे रुको रुको। क्या रुको? अरे मिनिमम हमारा 50 रुपया हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा, आज नहीं पर 20 साल बाद। माने माने रिटायरमेंट के बाद तो जवानी रहेगी ना आमदनी, तब क्या करेंगे दादा? महंगाई देख रहे हैं, आज 15,000 में घर चल जाता है कल 1,00,000 रुपए कम पड़ जाएगा। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या हमने आने वाले कल के लिए तैयारी कर ली है। हमारी प्रेजेंटेशन में बताया कि 20 साल पहले, जो हमारी एक BOP भी चलती है उसमें बताया गया है कि 20 साल पहले 5,000 रुपये काफ़ी थे एक सही सी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। आप दो वक्त की रोटी खा सकते हैं दाल के साथ, ओके, और थोड़ा बहुत घूम फिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर वैसी लाइफ स्टाइल आज आप चाहते हो 30,000 से 40,000 रुपये चाहिए, जो यहाँ लिखा था अभी, यानी महंगाई 7 से 8 गुना बढ़ चुकी है। क्या आज से 20 साल बाद जब हमें 2 से 4 लाख रुपये चाहिएंगे, क्या हम तैयार हैं उसके लिए? अभी कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 मिनट का भरोसा नहीं है, है जी? तो मैं ऐसे लोगों से कहने की हिम्मत करता हूं, भाई साहब अगर जी गए तो सोचने में क्या हर्ज है? क्या हमने तैयारी की है उसकी? नाउ द पॉइंट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है माई डियर फ्रेंड्स की, जहां पर आज वर्ष 2017 में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, एक दो को नहीं कह रहा, जिनकी इनकम मंथली 8,00,000 से 40,00,000 रुपए पर मंथ है एज ऑफ नाउ। तालियां तो ढंग से बजा लो।
ओके अब एक आम आदमी क्या करता है, आम आदमी के साथ बड़ी समस्याएं हैं, वो बचपन में जो सीखा है उसको बड़ा जल्दी इंप्लीमेंट करता है अपने जीवन में, वो गलत भी नहीं है, मैं इसको गलत भी नहीं मानता, वो सीखा जो इंप्लीमेंट वही करेगा। अब बचपन में उसको कहावत क्या क्या सिखाई जाती है, बेटा पैर उतने ही पसारो जितनी की चादर है। पंकज गुप्ता जैसा 6 फीट का इंसान पैदा हो गया, चादर अगर 1 फीट की है तो चाहे ऑर्थराइटिस का बाप हो जाए उसको, चादर पैर उतने ही पसारो जितनी की, ये आदत सीखी, ये कहावत सीखते सीखते बच्चे बड़े हो जाते हैं, ज्यादा ऊंचा उड़ता नीचे देख, माँ बाप ऐसा कह देते हैं बेटा ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ते, नीचे देखो, जमीन पे नीचे भी रहना सीखो। और एक पोयम, मुझे वो पोयम इतनी अजीब सी लगती है, बचपन में मैंने जब पढ़ी थी तब भी मैं सोचता था ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों लिखा गया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्टेज पर बोलने के लायक हूं तो मैं बोल पाता हूं उस बात के लिए। हमारे बचपन में कैसी निगेटिविटीज हमको सिखाई गई हैं, आप सोचो, आपने कभी पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत की, आप में से किसी ने भी किसी भी पहाड़ को चढ़ने की हिम्मत की है? बचपन में एक पोयम पढ़ी हमने, दो बच्चे पहाड़ पर चढ़े, कौन सी कहानी है पोयम जी वो, हाय 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 कितने पढ़े लिखो आप, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, अगर मैं गलत नहीं उसकी हिंदी यही होती है, जैक और जिल नाम के दो बच्चे थे और वो कार्टून भी छोटे बच्चों के थे, मुझ जैसे बुजुर्ग के नहीं थे। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, दो बच्चों ने बड़ी हिम्मत की, कहे के लिए, टू फैच ए पेल ऑफ वाटर, वाओ व्हाट अ टीचर आई एम ना, टू फैच ए पेल ऑफ वाटर मतलब पानी का घड़ा भर करके नीचे लाने के लिए, मतलब कितनी हिम्मत का काम होगा, आप सोचो पहाड़ पे चढ़ करके पानी लाना। आगे क्या कहती है पोयम, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन, जैक गिर गया, उसका सिर बट गया, और पोएट इस बात को लिख के बता रहा है, और उसके आगे और बताता है, बोले उसके पीछे पीछे जिम केम टम्बलिंग आफ्टर, जिम उसके पीछे लुढ़क के आ गया। इसमें क्या ऐसी चीजें शिक्षा हो सकती है, मुझे आज तक नहीं पता चला, सिर्फ निगेटिव्स के अलावा, कि दो बच्चे अगर ऊपर चढ़ने की हिम्मत करते हैं तो उनका कोई राइट नहीं है कि ऊपर चढ़ जाएं, वो चूंकि ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने गलती की है और उन्हें नीचे आना पड़ेगा, इट इज द राइट एजुकेशन, आई फील नो। तो हो क्या रहा, हुआ क्या है एक आम आदमी के साथ, एक आम आदमी बेसिकली कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जीने लगा है, वो अपनी चादर में सिमटने लगा। और एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में पता चला कि दुनिया में दो वर्ग हैं, एक वर्ग है 80% और एक वर्ग है 20%। ये जो 80% वर्ग है इसके पास पूरी दुनिया का सिर्फ 20% पैसा है, लेकिन जो दुनिया का 20% वर्ग है उसने कहा भैया हम चादर का साइज बड़ा करेंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने यह नहीं सिखाया लेकिन सिखा तो सकते थे कि चादर का साइज बड़ा करो, तो इन्होंने कहा हम चादर का साइज बड़ा करेंगे। और इन 80% और 20% लोगों की कुछ स्टडीज की गई जो मैं आपको बताऊंगा आगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, ये वाला अच्छा है रहना या इसमें आना अच्छा है, 80% में कितने लोग रहना चाहते हैं? सर कभी कभी सवाल सुन लिया करो तब जवाब दिया करो, मैं भी बचपन में ऐसे ही करता था, टीचर ने मुंह खोला नहीं, मैं कहता था सबसे अच्छा बच्चा बनने के लिए मैं हाथ खड़ा कर दूं, अब वो पता चलता था कि गड़बड़ हो गई। ओके कितने लोग हैं जो 20% में आना चाहते हैं? वाओ, अब थोड़ा स्टडीज पढ़ते हैं, क्या क्या स्टडीज हैं थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले जो ये 80% लोग हैं, इन 80% लोगों के साथ कुछ चीजें कॉमन है, ये एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि नौकरी पेशा लोग या छोटे बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स। 20% लोग जो हैं वो या तो बिग बिजनेस हाउसेस हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं। अब तीन चीजें हर व्यक्ति को चाहिए, पैसा, उसको एंजॉय करने के लिए समय, और साथ साथ वो है तो भी पैसा आता रहे और नहीं है यानी जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, राइट। अब जब स्टडी की गई तो पाया क्या गया कि एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, कुछ स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं अगर मैंने गलत लिखा हो तो बता देना, पैसा होता है, समय, समय तो होता है, सुरक्षा की तो तलाश है इन स्टूडेंट्स को बिकॉज दे आर नॉट सिक्योर्ड। दूसरी कैटेगरी आती है जॉब क्लास, जिनके पास पैसा नहीं होता, चूंकि पैसा नहीं होता तो ये बचे हुए समय को लगा देते हैं पार्ट टाइम काम में, और सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। क्या कोई जॉब क्लास यहां बैठा और वो कहे मैं सुरक्षित हूं?
कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो सरकारी कर्मचारी हूं, मैं सुरक्षित हूं। मैं कहता हूं गलत कहते हैं आप, क्योंकि मेरे यहां सेंट्रल एक्साइज कस्टम में एक नियमावली है, नॉट ओनली विद माय डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम सेंट्रल एक्साइज, ये पूरे हिंदुस्तान में हर डिपार्टमेंट में है, उसको कहते हैं रूल ऑफ कंडक्ट्स। और उसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन। और मेरा मानना है अगर ये दो शब्द लिखे हुए हैं ना तो डराने के लिए नहीं लिखे हुए हैं, ये इस्तेमाल होने के लिए लिखे हैं और होते भी हैं। ओके, तो सिक्योरिटी नहीं है, तो जॉब क्लास के पास भी तीनों चीजें नहीं है। तीसरी क्लास है सेल्फ एम्प्लॉयड, इनका पैसा तो होता है, रोजमर्रा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका बहुत पैसा होता है, लेकिन समय नहीं होता। कितने लोग व्यापारी बैठे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, क्या सर घूमने फिरने जाते हो खूब आराम से फैमिली के साथ? नहीं जा पाते, समय नहीं होता। और सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं है। ये 80% लोगों के साथ क्या देखा गया कि 80% लोग एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, रोज गड्ढा खोदो, रोज पानी निकालो, रोज प्यास बुझाओ, 80% लोग। लेकिन जो 20% लोग हैं ये वो बिजनेस क्लास इन्वेस्टर्स हैं जो कि पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं, यानी पैसा इनके लिए काम करता है ना कि ये पैसे के लिए काम करते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं सब लोग? नॉट बिकॉज पंकज गुप्ता ऑन द स्टेज इज टॉकिंग अबाउट दिस, क्या ये फैक्ट है या नहीं है? ओके, नाउ आगे स्टडीज बताती हैं कि ये जो 80% लोग हैं ये योग्यता को बड़ा महत्व देते हैं, ये पैसे को डायरेक्ट रिलेट करते हैं योग्यता से। पढ़, ज्यादा पढ़ेगी तो ज्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी, और ज्यादा पढ़ेगी तो और अच्छी नौकरी मिलेगी, होता है नहीं होता है? तो ये पढ़ाई से पैसे को रिलेट करते हैं। और होता क्या है उसका रिजल्ट कि बेटा देखो तुम्हारी योग्यता, अगर 50 रुपए या 10 घंटे काम करोगे तो 500 रुपए रोज के आदमी बनोगे, क्यों ना योग्यता बढ़ा के 100 रुपए घंटा कर लो, और क्यों ना 200 रुपए घंटा कर लो। लेकिन लिमिट है, कोई भी व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा कभी स्किल नहीं बढ़ा सकता। बढ़ा सकता है क्या? नहीं बढ़ा सकता। जो 20% लोग हैं ये नेटवर्क बना के काम करते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू माय पॉइंट, दिस 20% ऑफ पीपल दे वर्क ऑन बिल्डिंग देयर नेटवर्क्स, ये नेटवर्क बनाते हैं। ये कहते हैं कि क्यों ना हम इस तरह से काम करें कि मान लीजिए मैंने 500 लोगों को उनके 10 घंटे का पेमेंट किया, जो भी उनकी योग्यता थी उनके 10 घंटे का मैंने पेमेंट किया, और उनकी योग्यता से मैंने 10 रुपए घंटा कमा लिए, तो मैं कमा सकता हूं 50,000 रुपए। या मैं अपनी टीम, अपना नेटवर्क 1,000 लोगों का बना लूं, 10 घंटे की उनको सैलरी दूं और मैं सिर्फ 10 रुपए कमाऊंगा तो 1,00,000 रुपए रोज का आदमी बन जाऊंगा मैं। समझ में आती है बात आपको? आप कहीं भी देखिएगा इन 20% लोगों की अगर मैं बात करूं, आप अपने यहां जहां रहते हैं, जिस स्ट्रीट में आप रहते हैं, पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हर वो व्यक्ति जो इस 20% में आता है उसके पास एक नेटवर्क है, उसके पास एक टीम है, वो टीम उसके लिए काम करती है, उस टीम से ये आदमी पैसे कमा रहा है। अब टीम बनाने के दो तरीके हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला तरीका, आप अरबों रुपए लगाओ, एक इंडस्ट्री खोलने का रिस्क लो और 1,000 लोगों को एम्प्लॉय रख लो और हर महीने उन्हें सैलरी दो, बिजनेस चले या ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। इज इट अ गुड ऑप्शन? इट इज वेरी गुड ऑप्शन, बट यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। एंड सेकेंड ऑप्शन इज कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आ जाओ। हेलो, राइट? तो हम उन 20% लोगों में कैसे आ सकते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे अभी। एक साहब थे जो अमेरिका के सबसे पहले प्राइवेट रिचेस्ट व्यक्ति थे, इनका नाम था जे पॉल गेटी। इन्होंने किताब लिखी अमीर कैसे बने, हाउ टू बी रिच। इस पुस्तक में इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सबसे पहला काम, आप ऐसी चीजों में व्यापार कीजिए जो रोजमर्रा की वस्तुएं हो, और अपना खुद का व्यापार कीजिए, क्योंकि नौकरी करने वाला हम सब जानते हैं वो अमीर आदमी नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? तो इन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का बॉस बनना होगा, और जो बिजनेस आप करेंगे वो कैसी चीजों में करेंगे जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती हैं। दूसरा, इन्होंने कहा अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी इनकम एक जगह से नहीं आनी चाहिए, ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए, यानी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। तीसरा, इन्होंने कहा अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लोगों को अमीर बनाने में उनकी हेल्प करनी होगी। अब इन सब बातों को स्टडी किया, एक साहब थे उनका नाम था रेखराव, इन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल डाला। जैसे ही रेस्टोरेंट खोला तो
तो उन्होंने सबसे पहला प्रिंसिपल लागू कर दिया, खुद का व्यापार और ऐसी वस्तुओं में जो कि डेली कंज्यूम होती हैं। हाया ना, अब इनका रेस्टोरेंट चल पड़ा। जब रेस्टोरेंट चला तो लोग इंतजार करने लगे, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो इन्होंने कहा चलो एक दूसरे प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई 10 लोगों की। इन 10 लोगों को इन्होंने कहा भाई मेरा रेस्टोरेंट बढ़िया चल रहा है। बोले हाँ जी बढ़िया चल रहा है। बोले मैं तुम्हारे एरियाज में रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा हूं अपना। अरे भाई तो बढ़िया हो जाएगा, हम लाइन में लगने से बच जाएंगे। बोले नहीं मैं वैसे नहीं खोल रहा, पैसा लगाओगे आप, जगह होगी आपकी, मैं आपको क्या क्या दूंगा, मैं आपको दूंगा एक तो खाना बनाने का तरीका, मैं खाना कैसे बनाता हूं अपने रेस्टोरेंट में, और दूसरा मैं आपको दूंगा ब्रांड नेम, यानी जो भी कस्टमर आएगा वो देखेगा भाई रेकरों ने हमारे एरिया में भी रेस्टोरेंट खोल दिया है, खाना बनाना मैं सिखा दूंगा आपको। तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तू हमें क्यों बता रहा है। बोले तुम्हारा क्या फायदा है जिसमें। बोले मेरा फायदा ये, जब आप 100 रुपए कमाओगे तो 4 रुपए मुझे दे देना। डील कैसी थी? अच्छी डील थी। लेकिन 10 के 10 लोगों को समझ नहीं आई, जैसे हम भी कई लोगों को प्लान दिखाते हैं, समझ नहीं आता ना। सबको आता है क्या? नहीं आता। अब क्या हुआ, इन 10 में से एक ने कहा मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ। इसका चल पड़ा। जब इसका रेस्टोरेंट चल पड़ा तो बाकी को भी अकल आई, वो धीरे धीरे इसके पास आने लगे। अब अगर हम गौर से देखें तो क्या हुआ, रेक रॉ ने अपना खुद का व्यापार कर लिया, आय के डिफरेंट, अपनी इनकम के डिफरेंट सोर्सेस कर लिए, यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही, सब जगह से इनकम्स आ रही है, और दूसरों को अमीर बनाने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। जानते हैं किसकी स्टोरी है, कोई बताएगा मुझे? बड़ा फेमस नाम है ये, है जी, यस, ये रियल स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स ऑफ मैकडोनल्ड्स। डू यू नो आज पूरी दुनिया में मैकडोनल्ड के 36,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट है, 36,000 से ज्यादा। जरा इसकी मनी टाइम सिक्योरिटी देखते हैं, क्या चाहिए आम आदमी को, मनी टाइम एंड सिक्योरिटी। अगर एक रेस्टोरेंट इसको रोजाना 100 रुपए दे रहा है, कुल कितने रुपए आ रहे हैं? मैथमेटिक्स कमजोर है मुझे लग रहा, मेरी तरह आपका भी, हाँ 36,00,000 रुपए रोजाना। कैसी इनकम है, दाल रोटी तो प्याज के साथ ही खा रहा होगा ये, नहीं? ओके समय, अगर इसका एक रेस्टोरेंट 10 घंटे काम कर रहा है तो रेक रॉ के लिए रोजाना कितने घंटे काम हो रहा है, 360,000 घंटे। और अगर इसके 1,000 बंद हो गए तो कल आपके अकाउंट में 36,00,000 डले थे साहब, आज रात 35,00,000 डले, क्या आपकी माता जी, आपकी वाइफ आपको हृदय भगा देंगे, जलभग नहीं ना। तो सिक्योरिटी भी पूरी है इसकी। आपको और बड़ी बात बताता हूं, इस व्यक्ति को मरे हुए 32 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज भी अमेरिका की टॉप 10 फैमिलीज में से एक फैमिली जानी जाती है, रेकरो फैमिली। दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिटी। सोचा क्या गया कि यहां पर जो कुछ भी है वो किसके लिए है, सोचा इसके लिए गया। इसके पास क्या है, क्या इसको अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करने का मौका है, क्या ये लोगों को अमीर बना सकता है? क्योंकि इसको कहते हैं हम सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी सिस्टम, जिसमें एक ओनर के पास राइट होता है, वो जितने चाहे उतने लोगों को अपना फ्रेंचाइजी बना देता है। तो 1960 के दशक में सोचा गया कि भाई जो कुछ भी है वो इसके लिए, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए पैसा कौन सा है, अपने रेस्टोरेंट का, टाइम कौन सा है, अपने 10 घंटे, और जिन्हें अभी हमने 1,000 हंसते हंसते बंद करा था ना, अगर एक इसका भी होगा तो ये बेवा हो गया। तो 1960 के दशक में आते आते सोचा गया क्यों ना इस वर्तमान फ्रेंचाइजी को भी पावर दी जाए, ये आगे और फ्रेंचाइजी एसोसिएट करे, एंड फर्दर ये सबको ये पावर मिलती चली जाए, वो जितने चाहे उतने लोगों को अपने साथ एसोसिएट करे। और यहां से शुरुआत हुई मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी की, यहां से शुरुआत हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग की, यहां से शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग की। राइट, द पॉइंट इज व्हाट व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर हम 20% में आना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा, हर हाल में। राइट, ओके, इन साहब को कभी कभी सुना होगा आपने, मिस्टर पॉल्सन पिल्सर। मिस्टर पॉल्सन पिल्सर कहते हैं कि आने वाला समय दो इंडस्ट्रीज का होगा, वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको कुछ बड़े दिग्गजों से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का कहना था कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का बहुत तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है, और वो नवयुवक और नवयुवतियां जो इससे वंचित रह जाएंगे वो अपने जीवन का एक सुनहरा हिस्सा खोने वाले हैं। बिल गेट्स दुनिया का सबसे गरीब आदमी है,
इसे एक बार पूछा गया कि अगर आप वाकई गरीब हो जाओ, आप वाकई जीरो हो जाओ, तो आप क्या करना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा था कि इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज ए कैरियर, राइट? अब आप समझ लो, जो खास तौर से अरे बेकार के काम होते हैं, हमें ही पता कुछ ना होता इनमें, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे बैठे हैं तो आप समझ लीजिए दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या राय रखते हैं. ओके, फॉरएवर भी आपको एग्जैक्टली सेम पावर दे रही है बिजनेस बिल्ड करने की. ओके, यहां तक समझ में आया आपको नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्यों है, क्यों आपको जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग समझना, क्या मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग से? मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी. आज मैं आपको एक बात बड़े फक्र से बता सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत, फॉरएवर की बदौलत, मैं आज उतना सिक्योर्ड हूं कि अगर मैं आज के आज मर जाऊं तो भी मेरा परिवार सुरक्षित है, हर महीने उसको बहुत मोटा पैसा आता रहेगा. दिस इज कॉल्ड फॉरएवर सिक्योरिटी, सॉरी. ओके, नाउ एक चैलेंज है. कितने लोग चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? मेहनत करनी पड़ेगी आपको. चैलेंज यह है कि मैं आज आपसे टोटल 31 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं. टोटल 31, उनको मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है दो अलग अलग पार्ट्स में. पहले पार्ट में 14, दूसरे में 17 होंगे. मेरा एक ओपन चैलेंज है आप सभी लोगों को. मुझे नहीं पता आप कौन कौन है, मुझे नहीं पता आप कौन अकाउंटेंट बैठा है यहां पर, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा है, कौन डॉक्टर बैठा है, कौन इंजीनियर बैठा है, कौन बिजनेसमैन बैठा है, कौन सर्विस, मुझे नहीं पता कुछ भी. ओपन चैलेंज, चैलेंज ये कि मैं आपको आज ये 31 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, और आफ्टर दोस 31 पॉइंट्स अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मुझसे ये कहता है कि मिस्टर पंकज गुप्ता मेरे प्रोफेशन में, मेरे काम में ये 31 के 31 पॉइंट्स हैं, मैं पंकज गुप्ता, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, इस बात का ऐलान करता हूं आज के आज फॉरएवर छोड़ दूंगा और आपके काम की शुरुआत कर दूंगा, जो भी काम आप करते हैं. और अगर आप उन 31 पॉइंट्स को नहीं रखते हो तो मैं नहीं कह रहा आपको भी करना होगा, आपको थॉट जरूर देना होगा कि क्या वाकई जो काम मैं कर रहा या कर रही हूं उसमें कोई लोचा तो नहीं है. ओके, इतना तो कह सकता हूं ना मैं. मेरा चैलेंज बड़ा है आपका? मेरा चैलेंज बड़ा ना. ओके, गेम खेलते हैं. मैं सबसे पहले आपसे 14 पॉइंट डिस्कस करूंगा, वो जो कि जनरली नेटवर्क मार्केटिंग की बाकी कंपनीज में भी होते हैं. और जब मैं आपको ये बता रहा हूं तो इसका मतलब ये भी मान के चलिएगा ये 14 पॉइंट्स फॉरएवर में भी आते हैं. नेक्स्ट सेकंड सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि वो 17 फीचर जो फॉरएवर के एक्स्ट्रा है, जो पूरी दुनिया में किसी और कंपनी के नहीं है. ओके, सबसे पहली बात, एमएलएम का फीचर जो होता है वो है लो इन्वेस्टमेंट. एमएलएम की किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करिएगा, उसमें सबसे बड़ी खूबी होती है कि वहां पर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, ना के बराबर आपका इन्वेस्टमेंट होता है. कोई कंपनी 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, मैक्सिमम लाख रुपए तक आपसे इन्वेस्ट कराती है. इधर बिग इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से नहीं. और जब इन्वेस्टमेंट लो है तो आपका दूसरा फीचर ऑटोमेटिकली आ जाता है, रिस्क आपका कम हो जाता है, जोखिम कम हो जाता है. अर्थशास्त्र की परिभाषा में बताया गया है जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ही ज्यादा रिस्क होगा, जितना कम लगाएंगे रिस्क उतना ही कम होगा. तो नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा फीचर है रिस्क कम है. तीसरा, नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी कंपनी में काम करने के लिए आपको किसी एक्स्ट्रा स्पेस की आवश्यकता नहीं है, आप घर से इस बिजनेस को कर सकते हैं. और घर बड़ा होना जरूरी नहीं है, आप किसी भी जगह से इस बिजनेस को कर सकते हैं. चैलेंज याद रखिएगा, मुझे याद है क्योंकि मुझे 2.5-3 लाख बहुत प्यारे हैं जो फॉरएवर मुझे कमा के दे रही है, तो इसलिए मैंने चैलेंज को संवार करके रखा हुआ है. ओके, आप देखते रहे कि आपके काम में क्या क्या है. यहां पर आपको एक्स्ट्रा स्पेस या शॉप की जरूरत नहीं है, कोई अकाउंट कीपिंग रखने की आवश्यकता नहीं है कि आपके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आपको किसी अकाउंटेंट को रखने की जरूरत है. सारे के सारे काम वो कंपनी जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं वो खुद कर रही होती है. ओके, कोई ओवरहेड्स नहीं है आपके, किसी तरह का ओवरहेड नहीं, बिजली का बिल, पानी का बिल, नौकर आपको कोई एम्प्लॉय रखना उसका सैलरी, कोई ओवरहेड्स आपके ऊपर नहीं होते. देन नेक्स्ट, नो बॉस, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है. कितने लोगों को बॉस पसंद है? किसी एक्चुअली पता मैं क्यों पूछ रहा हूं, एक बार की बात है मेरठ में मैंने पूछा कितने लोगों को बॉस पसंद है, तो एक भाई ने हाथ उठा दिया. सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज रियल फैक्ट. मैं एकदम अलर्ट हो गया, मैंने कहा भाई साहब आपके बॉस यहीं बैठे हैं. ऑलराइट, तो मैंने बॉस को सॉरी बोला, मैंने सर आपके लिए नहीं किसी और के लिए पूछा था मैंने. ओके,
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जहां पर आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आप अपनी इच्छा के मालिक होते हैं, जब चाहे काम करें। और बॉस के साथ क्या क्या होता है, देखो आपको एक व्यक्ति की व्यथा दिखाता हूं। शुक्रवार को ये बंदा अपने घर से ऑफिस से घर जा रहा है और मंडे को वापस जा रहा है, जरा इसकी स्थिति देखिए क्या है। कैन वी प्ले दैट वीडियो प्लीज अंकित, बड़ा अच्छा सा है, छोटा सा है बड़ा अच्छा है, लेकिन बड़ा खुश है ये। अब मंडे आ गया, चलने को मन नहीं है इसका, जा रहा है बेचारा। सो नेटवर्क मार्केटिंग का फीचर है कि यहां पर आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आप अपना फ्रीडम खुद आपके हाथ में होता है, आप जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर आपका सोशल सर्किल बढ़ने लगता है, आपका सामाजिक दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। जैसे आज बहुत सारे लोग जिनसे मैं अनजान था वो मेरे सोशल सर्किल का हिस्सा हो गए हैं, राइट? तो पॉइंट इज कि यहां पर आपका सोशल सर्किल बहुत तेजी से बढ़ता है। नेक्स्ट, यहां पर आप अनलिमिटेड इनकम्स कमा सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। शायद आपने शिव खेड़ा साहब का नाम सुना हो, उन्होंने हाल ही में किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी जो मुझे अच्छी लगी, यू कैन सेल शायद उस किताब का नाम है। वो कहते हैं कि दुनिया में मार्केटिंग अकेला प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप अगले महीने अपनी इनकम खुद डिजाइन करके लिख सकते हैं, वरना कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे आप खुद लिख लें। जैसे मान लीजिए आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, आपको कुछ प्रॉफिट्स आने वाले हैं, क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को अगले महीने सपोज 5 लाख चाहिए तो आ ही जाएंगे, क्योंकि कस्टमर आएगा तो आएंगे, नहीं आया तो नहीं आएंगे। मान लीजिए आप नौकरी करते हो तो आपकी इनकम कौन निर्धारित करता है, आपके हाथ में तो है ही नहीं, है ना। वो कहते हैं कि मार्केटिंग का प्रोफेशन अकेला प्रोफेशन ऐसा है जहां पर कि आप अगले महीने की अपनी इनकम कैसे निर्धारित कर सकते हो। मान लो आपको बताया कि मुझे इतना सामान बेचने के बाद 10% आएगा, जस्ट इमेजिन, और आपको एक आपको बताया कि 1 लाख रुपए का सामान बेचूंगा तो 10,000 रुपए आएंगे, आपको 1 लाख रुपए चाहिए अगले महीने, कितना सामान बेचना होगा सर? यू नो इट। तो नेटवर्क मार्केटिंग चूंकि मार्केटिंग है तो यहां पर आपके पास एक बहुत अच्छा जरिया होता है अनलिमिटेड इनकम कमाने का, टेंशन फ्री बिजनेस। यहां पर मैंने एक छोटी सी कंजूसी करी है कि स्टार लगाया है। ये स्टार मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये टेंशन फ्री बिजनेस है, हर हालत में टेंशन फ्री बिजनेस है, बशर्ते आपने अपने विजडम का इस्तेमाल किया हो, अगर आपने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। क्योंकि अभी हाल ही में एक अंगूठा दिखाने वाली कंपनी आई थी, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है नहीं पता है, वो अंगूठा दिखा, वो एक्चुअली क्या था, बोले लाइक करो। अब लाइक करो वो जब ऐसे हर आदमी ऐसे दबाता था तो मैं कहता था बेटा ये दिखा रहा है तेरे को, हर बार तू दबा रहा है, वो कह रहा देख तू मुझे ज्यादा पिंच करेगा मैं बक जाऊंगा। तो आपको अपने विजडम का इस्तेमाल करना है, अगर आपने अपने विजडम का इस्तेमाल किया तो नेटवर्क मार्केटिंग एक टेंशन फ्री बिजनेस है, टोटली टेंशन फ्री बिजनेस है, ओके। और ये फॉरएवर के मामले में 100% सच है, यू कैन क्लैप फॉर फॉरएवर फॉर दैट। नेक्स्ट, यहां पर आपको कोई एक्सपीरियंस कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये सबके लिए समान अवसर है। क्या कभी आपसे किसी ने पूछा आपका फॉर्म भरवाते भाई साहब कितना पढ़े लिखे हो आप, पूछा किसी ने आपकी जाति और बता दो आप किस जाति के हो, पूछा कभी आपसे? ये कैसा अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बताऊं कि हम बिल्कुल खुले मन से इस बात को कह सकते हैं कि जिस सोसाइटी की दुनिया में कल्पना की गई है जहां पर सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलता है। मैं अपनी अगर व्यक्तिगत राय दूं, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग जहां पर आपको आपने देख रहे हो सब तरह के लोग बैठे हुए हैं, यहां पर सब एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, विदाउट एनी, यस थैंक यू वेरी मच, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एंड वी लव ईच अदर। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा फीचर है। देन टाइम लीवरेज, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपका टाइम लीवरेज होता है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आप जितने ज्यादा लोगों को एसोसिएट करते हैं अपने साथ आपका टाइम बढ़ना शुरू होता है। फिर भी कुछ बच्चों से पूछना चाहूंगा,
कोई है जो नौकरी कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में शुरू किया, या कोई बिजनेस कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो? हाँ सर। अरे सर चवन्नी बार हाथ की उठा दो, पूरा उठा दो, कोई डरने की बात है। खड़े हो जाओ सर, खड़े हो जाओ एक मिनट। कितनी देर शॉप खोलते हो आप? कितनी देर शॉप खोलते हो सर? कितनी देर काम करते हो? मार्केट के ऑर्डर, किसी की शॉप वॉप है आप? चलो और थोड़ा क्लियर करते हैं फिर बात को, टाइम लीव रहे समझाने के लिए। हाँ जी सर, आप बताइए कितनी देर शॉप खोलते हैं आप? पूरा 8 घंटे बैठना पड़ता है। नहीं बैठना पड़ता नहीं, 8 घंटे काम करते हैं अभी, थोड़ी देर के लिए मजबूरी नहीं बनाते इसको। मान लीजिए आप 8 घंटे में एक्स अमाउंट कमाते हैं, वो एक्स कुछ भी हो सकता है, अगर कंडीशन आपके फेवर में हो, यानी कस्टमर आपके पास आता रहे, सरकार की तरफ से भी छूट हो और आप 12 घंटे शॉप खोलो, तो आपकी इनकम बढ़ेगी या कम होगी? आप 12 घंटे बैठ भी लोगे। अगर 16 घंटे आपकी शॉप खुलने की सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर भी आता रहे, बैठोगे आप 16 घंटे एक दिन में? बैठ लोगे, वेरी गुड। 24 घंटे कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा एक दिन में 25 घंटे नहीं होते, आप ऐसा बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें समझना जरूरी है। यकीन मानिए हर व्यक्ति को ये थ्योरी बहुत इनफैक्ट गड़बड़ कर देती है कि यार बता पढ़ा लिखा सा आदमी दिख रहा है, टाई वाई लगा के आ तो गया है लेकिन बात ऐसी कर रहा है, एक दिन में 25 घंटे। ये समझना है हमें, इस दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ एक ही काम कर रहा है जो सक्सेसफुल है, वो अपने टाइम को बढ़ा रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आप लोगों को, वो टाइम बढ़ा रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग वही एक बिजनेस है जो आपको टाइम बढ़ाने में हेल्प करती है। जैसे आपने कहा मैं 12 घंटे काम करूंगा तो 8 से ज्यादा पैसे आएंगे, मैं अगर 16 करूंगा तो और ज्यादा आएंगे, 24 करूंगा तो और ज्यादा आएंगे, तो पक्की बात है ज्यादा आएंगे, इसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब 24 घंटे क्यों काम करने पे ज्यादा पैसे आ रहे हैं? क्योंकि समय ज्यादा काम हो रहा है, राइट। अगर आप 25 घंटे की बात करो तो अगर आपने अपनी दुकान पर 4 लड़के रख लिए और वो 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो अब आपके लिए 40 घंटे काम हो रहा है, 8 आपके और 4 उनके मिला के 40 घंटे काम हो रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको टाइम लीवरेज का मौका मिलता है। मैं इस स्लाइड को स्किप कर रहा हूं इसीलिए, स्लो ओके, किधर उधर करना है क्या? नेक्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। कोई मुझे बताएगा फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? खर्चा करने से पहले सोचना ना पड़े और पैसे से और समय से आजादी। कोई और बताएगा मुझे? यू आर राइट। कुछ और चीजें छोटी सी मिस है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं ऑब्वियसली मनी इज द मेन कॉम्पोनेंट। यस सर, कुछ कह रहे हैं आप? गुड, नाउ द पॉइंट इज, मुझे समझ नहीं आया था वैसे। नाउ द पॉइंट इज कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज व्हाट? फाइनेंशियल फ्रीडम में सबसे पहला कंपोनेंट विच इज रियली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है मनी। पैसा होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको छोटा सा एक बताता हूं, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, मान लीजिए ये मैं ऐसे खड़ा हूं, ये हमारा मीनू है, वो कहते हैं ना वेटर को मीनू लाना, मीनू लाना है जी, मेन्यू लाना, मेन्यू लाना, ओके मेन्यू आता है, मीनू आती मेन्यू आता है, ओके। अब मेन्यू क्या होता है? मेन्यू कुछ इस तरह से डिजाइंड होता है कि ये 80% है, बहुत बड़ा होता है, और ये 20% है। अगर मैं इसे बोलूं तो ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। हमारा खाना उस मेन्यू के राइट हैंड से डिसाइड होता है कि लेफ्ट हैंड से? मोस्ट ऑफ द टाइम राइट हैंड से होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज व्हाट? कि जब हमें सोचना ना पड़े, जो अभी सर ने बोला था थोड़ी देर पहले। लेकिन अकेला वो कंपोनेंट नहीं है, मेजर है, इसमें कोई दोराय नहीं है। सेकेंड इज द टाइम। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है पर उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे पैसे का?
क्यों सर, बिजनेसमैन साहब सही कह रहा हूं। देन थर्ड इज सिक्योरिटी। आप बिजनेस कर रहे हो, आप दुकान पर बैठे हो, पैसा आ रहा है राइट? लेकिन जब आप नहीं बैठोगे तब भी पैसा आएगा क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम का तीसरा कंपोनेंट है सिक्योरिटी, और ये तीनों चीजें मिलकर के बनाती हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको ये तीनों चीजें एक साथ देती है अंडर द कवर ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। 13th फीचर, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको इंटरनेशनल ट्रेवल देता है। अब यह अलग बात है कि बहुत सारी कंपनीज इंटरनेशनल ट्रेवल के नाम पर बैंकॉक ले जाती हैं, फॉरएवर की बात करें तो पूरी दुनिया घुमाती है ओके। बट यस, जैसा मैंने आपसे कहा, मैं आपको पहले 14 फीचर्स वो बता रहा हूं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन जनरल आपको मिल जाते हैं। तो यहां पर आपको इंटरनेशनल ट्रेवल, देश और विदेश घूमने का मौका मिलता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है घूमना फिरना? क्या हम वाकई घूम फिर भी जा पाते हैं? देखो, मुझे आपके महाराष्ट्र का नहीं पता है, मुझे मेरे यूपी का पता है। मेरी रिसर्च बताती है कि गर्मियों की छुट्टियों में सबसे ज्यादा विजिट करने वाली जगह होती है नानी का घर। और मेरी आगे की रिसर्च ये भी बताती है कि इसके पीछे कारण भी है। नानी का घर ही क्यों चुनते हैं लोग? क्योंकि पहला कारण खाना फ्री, दूसरा रहना फ्री, और वापसी का टिकट भी फ्री होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको देश और विदेश में घूमने का मौका मिलता है राइट। 14th इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। जो लोग नौकरी करने जाते हैं उनका टाइम बाउंड है, एक समय पे उन्हें पहुंचना है और एक समय तक हर हालत में रहना है, हाँ या ना? जो लोग बिजनेस करने जाते हैं वो सर ने बोला 8 घंटे बैठना पड़ता है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से जाऊं यार, चल शटर उठाने का मन रात को 8 बजे कर रहा है, चल खोल ले यार, 12 बजे बंद करना था कर दी, हो ही नहीं सकता है। हो पाएगा सर क्या? नहीं हो पाएगा। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आप टोटली टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का एंजॉय कर सकते हैं। आप जब चाहे जहां चाहे वहां ये व्यापार डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आप बस में है या पार्क में है, ट्रेन में है या प्लेन में है, सड़क पर है, कहीं भी है। तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ माय क्वेश्चन इज, मेरे 14 पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, क्या कोई है साहब ऐसे जिनके काम में अभी ये 14 पॉइंट तो है? अरे वाह पप्पू, पहले एग्जाम में पास हो गया, अभी तो पार्ट 1 चालू है, अभी तो पार्ट 2 शुरू ही नहीं हुआ, यानी मैं जीत गया। वाओ मैम, मैं जीत गया, मुबारक हो। इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में कितनी सारी चीजें मिस हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अभी मैंने सिर्फ 14 दिखाए हैं, 17 नहीं दिखाए हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा सभी लोगों को कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो बुरा नहीं है, उसको मैं बुरा भी नहीं कह रहा, ना मेरी उसको बुरा कहने कोई औकात है। लेकिन यस, ऊंचा उड़ने के लिए किसी ने रोका हो तो बताइए ना। वो नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी बढ़िया बात कही थी कि माना कि अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कहां मना है। हेलो, समझ नहीं आया क्या? तो भाई ये तो कोई बात नहीं ना कि साहब मैं अपनी जिंदगी को अच्छी, कितने लोग चाहते हैं मेरी जिंदगी अच्छी हो, तो क्या घर में बैठे बैठे हो जाएगी? हाँ, थोड़ा तो हिलना पड़ेगा, थोड़े तो प्रयास करने पड़ेंगे। मुझे एक कहानी याद आ रही है असल में, थोड़ा चेंज करने के लिए। एक बार की बात है, एक श्याम था एक राम था। राम और श्याम दोनों दोस्त थे। राम 5 डे ऑफिस जाता था, श्याम 6 डे ऑफिस जाता था। तो सैटरडे की बात है, राम और श्याम दोनों एक्चुअली मॉर्निंग वॉक पे भी जाते थे, तो शाम की तो छुट्टी, राम की तो छुट्टी थी, शाम को ऑफिस जाना था। अब ये दोनों निकल पड़े, तो निकलते निकलते अचानक क्या हुआ कि एक राम के कान में एक पिल्ले के कराने की, पिल्ला समझते हैं आप, पपी कुत्ते का बच्चा समझते हैं ना आप, ओके। तो एक पिल्ले के कराने की आवाज सुनाई दी। जब पिल्ले के कराने की आवाज सुनाई दी तो राम के कदम रुके। जब राम के कदम रुके तो शाम बोला, चल यार राम ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूं यार, चल। बोला, यार किसी पिल्ले कराने के, मैं बोला कुछ नहीं हुआ तो चल यार। अब राम से रहने का, बोले श्याम यार तेरी बात से ऐसा लग रहा है तू जानता है पिल्ले को क्या हुआ। बोले हाँ मुझे पता है क्या हुआ इसको। बोले पता क्या हुआ? बोले कुछ नहीं है, कील पे बैठा हुआ है। तो बोला कील पे बैठा हुआ तो उठ क्यों नहीं जाता? बोले इतनी भी नहीं चुभ रही ना। थोड़ा देर में समझ में आ रही है आज आपको बातें, मैं जा रहा हूं यहीं हंस लो तो अच्छा रहेगा।
हमारी जिंदगी में परेशानियां कील बन के हमेशा चुभती रहती हैं। हमें उठना पड़ेगा, थोड़ा सा तो उठना पड़ेगा, नहीं राइट और रॉन्ग। ओके, तो ये 14 फीचर्स से अब हम बात करते हैं फॉर एवर को साथ में जोड़ते हुए, उन 17 फीचर्स की भी जो मुझे ध्यान है कि जो और अच्छे मजा आने वाला है आपको। सबसे पहला फीचर, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूं जी, कॉमर्स ग्रेजुएट और टीप टाप के पास हुआ हूं। अब क्या दिक्कत है, अब तो नौकरी भी छोड़ दी, अब कौन सा मुझे, मेरे कमिश्नर साहब कहेंगे चल जल्द वापस तेरा सब कुछ। तो इकोनॉमिक्स का एक सेशन चल रहा था, वो मेरी किस्मत अच्छी रही, मेरी आंखें खुली हुई थी उस समय, वो मैंने एक चैप्टर पढ़ा रहे थे जब प्रोफेसर साहब, तो मैंने आंखें खुली रखी थी कि मार्केट को चलाने के लिए सिर्फ एक पॉलिसी काम करती है, वो है रूल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम, सिर्फ यही काम करता है और कुछ काम नहीं करता है। जैसे आज से 30 साल पहले यहां कोई ऐसा बैठा जिसके पास मोबाइल था, आज कोई ऐसा बैठा जिसके पास नहीं है, दोनों ही बार हाथ नहीं उठे। आज से 20 साल पहले किसी ने पानी खरीद के पिया था, आज कोई ऐसा बैठा जिसने ना पिया हो खरीद के, क्या बात है। अभी क्या हुआ, कुछ लोगों को समझ में आया आने वाले समय मोबाइल का समय होने वाला है, तो किसी ने नोकिया, किसी ने सोनी एरिक्सन, किसी ने सीमेंस, किसी ने माइक्रोमैक्स, किसी ने लावा शावा टेवा तीवा पता नहीं क्या क्या नाम, नो सो मैनी मोबाइल्स मार्केट में आए और सब बिक रहे हैं। क्यों, मार्केट में डिमांड है। क्या आप में से कोई इस डिमांड को रोक सकता है? सेम वाटर के साथ हुआ, अबे हिंदुस्तान में पानी बेचोगे यार, ऐसा कहते थे लोग शुरू में, आपको तो याद होगा सर, हिंदुस्तान नदियों का देश है या पानी बिकेगा। लेकिन जिनको समझ में आ गया उन्होंने खोल ली किल्ले, उन्होंने खोल ली बिस्लैरी, उन्होंने बना दिया रेल नीर और आज उनके वारे नियारे हो रखे हैं। हाँ या ना? सेम वे आज की डेट में आप अपने आसपास थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए नजरों के साथ साथ, नजर तो बहुत घूमती है हमारी, दिमाग भी घूमना चाहिए। हमारे आसपास मॉर्निंग वॉकर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नया व्यक्ति बताओ सर कोई, ये आप तो पुराने हो गए थोड़े से है ना, कोई नया पहली बार बैठा, पहली बार फर्स्ट टाइम, बिल्कुल इंडिपेंडेंट व्यू चाहिए मुझे उससे, कोई पहली बार आए जो भी कह रहे थे साहब मैंने कुछ नहीं जानता फॉरएवर के बारे में। यस सर, आप खड़े हो जाएंगे एक मिनट, क्योंकि नए आदमी की आवाज कम होती है मुझे पता है, आई विश आपकी ज्यादा हो। आपके आसपास मॉर्निंग वॉकर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? अरे वाह, सही जवाब दिया उन्होंने भी। आपके आसपास आयुर्वेदा नेचुरोपैथी होम्योपैथी बढ़ रहे हैं? जिम, जिम भी बढ़ रहे हैं और योगा बढ़ रहा है, वाओ। अरे ये भी यही बात कह रहे हैं, मैं तो सुन रहा नहीं कह रहा था फॉरएवर में जुड़ के, थैंक यू सर। अब आप समझ रहे हैं इस बात से क्या मतलब है, ये सब चीजें बढ़ रही हैं यानी इनकी मांग बढ़ रही है, और जब मांग बढ़ती है तो क्या चाहिए सप्लाई के लिए सामान, वो कौन है? फॉरएवर। एक बात कह रहा हूं आप सभी लोगों से और विद फुल कन्विक्शन कह रहा हूं, आप फॉरएवर करो या मत करो, फॉरएवर का बिजनेस ऊंचा जाने वाला है। और बनिएगा बच्चा हूं इसलिए लाला पे विश्वास करता हूं। ओके, नुकसान किसमें है, ना करने में या करने में? ना करने में, मेरे शब्दों को साथ जोड़ के रहिएगा, मजा आएगा, नहीं तो खो जाएंगे आप। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई बात नहीं है। ओके, सो वी आर इन ए बिजनेस जो बहुत तेजी से बढ़ती है, अपकमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, एंड दोनों इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, वन इज वेलनेस इंडस्ट्री एंड आई एम प्राउड कि यस आई एम द पार्ट ऑफ फॉरएवर जो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है वेलनेस इंडस्ट्री के। सेकंड इज कि फॉरएवर उस अपकमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है जो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग वो इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इवन इंडिया में भी बढ़ रही है, राइट? देन फॉरएवर का बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है साहब। मैंने आपसे क्या कहा कि जो 14 फीचर हैं वो जनरल कंपनीज में आपको मिल जाएंगे, पर ये वाला फीचर ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको, सॉलिड बैकग्राउंड। मेरे पापा कहते थे लोटा वो टिकता जिसकी पेंदी भारी होती है, यू नो व्हाट डज दैट मीन, बेस। लोटा वो टिकता जिसकी पेंदी भारी होती है, यानी बेस सॉलिड होना जरूरी है, एंड वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैकग्राउंड। ओके, व्हाट इज दैट, क्लैप फॉर दिस यंग मैन मिस्टर रेक्समॉन।
1978, he founded this company with a single vision. लोगों की सबसे खतरनाक बीमारी है खाली बटवा. सबसे खतरनाक बीमारी अगर किसी तरह से आपने वो दूर कर दी तो शारीरिक बीमारी ऑटोमेटिकली दूर होने लगेंगी. इस विजन के साथ 1978 में फॉरएवर की शुरुआत हुई. सिर्फ चेक करने के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका जन्म 1978 के बाद हुआ है? मेरा आंकड़ा सही है, 50% से ज्यादा लोग मेरी मीटिंग्स में मुझे ऐसे मिलते हैं जिनका जन्म 1978 से बाद में हुआ है. यानी आपसे तो पुरानी कंपनी है भैया, राइट? यू कैन वेल इमेजिन अबाउट फॉरएवर कितना सॉलिड बैकग्राउंड होगा. जोरदार तालियां हमारी जीएमटी के लिए, ग्लोबल मैनेजमेंट टीम, जिनके पास बड़ा विशाल अनुभव है हर चीज का, चाहे आप प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, चाहे आप नेटवर्किंग की बात कर लीजिए और चाहे आप मैनेजमेंट की बात कर लीजिए. ओके, देन हमारी आज प्रेजेंस है दुनिया के 160 देशों में. छोटी मोटी प्रेजेंस नहीं है साहब कि एक आधे कंट्री में एक आधे राज्य में काम कर रहे हैं हम दुनिया के 160 देशों में काम कर रहे हैं. टर्नओवर पहले साल 1 मिलियन से शुरुआत हुई और लास्ट ईयर 20,000 करोड़ के बराबर टर्नओवर था फॉरएवर का, 20,000 करोड़. एक ऐसी कंपनी जो टोटली कैश रिच है, किसी का कर्जा नहीं है जी ऊपर. सोचो तो, एक व्यापारी होने के नाते सोचो, सर आप व्यापार करते हो, कितनी लिमिट बनवा रखी है? बताओ. है जी, बहुत है, मुझे पता बहुत होगी. फॉरएवर की कोई मतलब बैंक से लिमिट नहीं, मतलब कोई लोन नहीं है किसी तरह का. ओके, देन ना सिर्फ इतना बल्कि मिस्टर रेक्स मॉन के पूरी दुनिया में 70 से ज्यादा रिजॉर्ट्स हैं, जिनमें से 19 5-7 स्टार हैं. और जब हम बात करते हैं 20,000 करोड़ के टर्नओवर की, उसमें रिजॉर्ट्स का टर्नओवर शामिल नहीं है. तो आप किसी छोटी मोटी टटपूंजिया कंपनी के साथ नहीं जुड़ रहे हो, एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ रहे हो जिसका बैकग्राउंड सॉलिड है, राइट? इंडिया में जोरदार तालियां हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर मजीद उभी के लिए. ये स्टेटमेंट बहुत प्यारा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग कंपनी ज्वाइन करते हैं, इन चीजों को पढ़ते नहीं, इसलिए मैंने जानबूझ करके फोकस किया हुआ है. सपनों की कीमत चुकानी होती है, इसलिए लोग सपना देखने से डरते हैं. यू नो, हर चीज का प्राइस टैग होता है. व्हाट एवर यू वांट टू बाय, उसका प्राइस टैग है. हाँ है ना? आप बाजार में जाओ 1 किलो आलू लेने के लिए, उसका भी प्राइस टैग है, यू हैव टू पे. हर सपने की कीमत है, आपको उसको चुकाना होता है. लोग इसलिए सपना देखने डरते हैं, लोग एक्चुअली इस डिलेमा में भी रहते हैं और इसलिए निर्णय नहीं लेते कि कहीं यार लोग हमें गलत ना कह दें. अरे बता, कल भी कह रहा था मेरी एक कार आएगी, आज भी कह रहा है मेरी कार आएगी, कैसा आदमी है यार, तो क्यों हंसी उड़वाना मुझे. लोग डरते हैं असल में, ये फैक्ट है. मेरे गुरु कहते हैं कि अगर आप फॉरएवर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मंत्र दे दूं मेरे गुरु वाला, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना फॉरएवर में, तो अपने पड़ोसी को अपने सपने बता दो, बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर, उसे बता दो अपने सपने. भाई साहब मैंने कंपनी ज्वाइन की है, आप आओ या ना मत आओ ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको एक बार बता रहा हूं, 1 साल बाद मेरा ये सपना पूरा, वो जो भी आपने देखा है, 1 साल बाद मेरा सपना होने वाला है, यकीन से कह रहा हूं. ना तो आपको कोई इमेज लगाने की जरूरत अपनी कार की, जो अगर आपने कार देखा या मकान देखा व्हाटएवर, ना आपको कुछ लिखने की जरूरत कहीं पे, ना कोई पिक्चर कहीं कार वार कहीं चिपकाने की जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत. आपका ये पड़ोसी हर दूसरे तीसरे दिन आपको मिलेगा और पता कैसे याद दिलाएगा, हाँ भाई बिलीव मी. लेकिन यस, लोग इतना डेयर नहीं कर पाते हैं. दरअसल लोगों को डर लगता है कि मेरे को उस सपने की कीमत चुकानी पड़ेगी और लोग पता नहीं मुझे क्या कहेंगे. लोग इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे. और कहीं मैंने किताब में पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग. अरे लोगों की भी चिंता हम करेंगे तो उनकी चिंता कौन करेगा, हाँ? सो यहां पर आगे लिखा है कि FLP आपको बड़े सपने देखने की शक्ति देती है. जितने बड़े सपने देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, और साथ ही आपके रास्ते की रुकावटों को भी हटाती है. कैसे? आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे बाद एक ट्रेनिंग सेशन और होएगा, फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन और होएगा. हम आपके रास्ते में जो रुकावटें उनको हटाने के लिए हर वक्त प्रयास करते रहते हैं. FLP एक बेहतर समाज के निर्माण में भी सहायता करती है. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस स्टेटमेंट, बिलीव मी, आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस. मैं आपको एक बात दावे से कह सकता हूं, आप किसी पॉलिटिकल मीटिंग में चले जाइएगा,
आप किसी अपने किसी बड़े फंक्शन में चले जाइए, जो भी आपके आसपास होता है, 3 से लेकर 6 घंटे के उस फंक्शन में ऐसा हो नहीं सकता गालियां ना इकट्ठी हो, ऐसा हो नहीं सकता निगेटिविटी डिस्कस ना हो। फॉरएवर का माहौल एक ऐसा माहौल होता है जहां पर हर वक्त हम आपके साथ पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, एक स्वस्थ समाज बनाने की बातें करते हैं, राइट? तो इसकी शुरुआत हुई इंडिया में मई 2000 में, यानी आप गौर से देखिए, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल अब 13 मई को पूरी दुनिया में 40वें साल में कदम रखने जा रही है, और यहां अगर हम बात करें इंडिया में हमारे 17 साल पूरे हो गए, 17 ईयर्स वी आर ओल्ड नाउ। ओके, 125 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, एफबीओस 15 लाख से ज्यादा, लास्ट ईयर 453 करोड़ का टर्नओवर फॉरएवर का हुआ है। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये फिगर जो मैं आपको भी देने वाला हूं, मुझे पता है आप सबको पता होगी, आप सोचिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में एफएलपी इंडिया ने 430 ऐसे नए लोग क्रिएट किए जिन्होंने इस एक साल में 10 लाख या उससे ज्यादा रुपए कमाए, जिन्हें हमारे मिलेनियर कहते हैं। सोचो आप, तालियां तो ऐसे बजा रहे हो जैसे कि मुझे नहीं मिले इसलिए बजाऊंगा ही नहीं। ताली ऐसी बजाई है ना, मुझे तो मिले नहीं, मैं क्यों बजाऊं ताली, इसलिए ताली बजाओ कि आपको भी मिल जाए। यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हमारा टर्नओवर 453 करोड़, आउट ऑफ विच 430 लोग मिलेनियर्स बन गए। और मैं दावे से कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी को भी गौर से देख लेंगे, इतना बड़ा आपको रिकॉर्ड नहीं मिलने वाला है। और ओवरऑल 2211 मिलेनियर फॉरएवर अभी तक, हमारे सर का सपना है, अमरजी सर का पहला सपना उन्होंने पूरा किया। पहला सपना जो बताया करते थे कि मेरा सपना जो मैंने शुरुआती दौर में लिया था वो था 2000 मिलेनियर, और इस साल हो गए 2211। तो वी कैन क्लैप फॉर मिस्टर रूबी ऑल्सो, कि हर सपने की कीमत होती है, लेकिन लोग डरते हैं। अगर हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं, सर ने चुकाई है वो कीमत, ताली बजाओ यार, दिल से बजाओ, बिकॉज आई नो पर्सनली कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई अपने सपने को पूरा करने के लिए। आपको भी कीमत चुकाने से डरना नहीं, क्योंकि आपके सपने किसके हैं आखिरकार? अगर आपके घर में पैसा ज्यादा आएगा तो किसको मिलेगा उसका फायदा, मुझे या आपको? आपको या आपके बच्चों को? और ज्यादा आपके परिवार में खुशी कम होंगी या ज्यादा होंगी? तो ऐसे क्यों बोल रहे हो, थोड़ा तेजी से बोलो यार, मैं आपसे तेजी से बोल रहा हूं। ओके, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, मोहाली, जम्मू, जयपुर, अहमदाबाद, गोवा, बैंगलोर, हैदराबाद, शिलांग, पटना, रांची, यहां पर हमारे रीजनल ऑफिसेज, और ये हमारे हेड ऑफिस जिसमें आप बैठे हैं। खुद की जमीन, खुद की बिल्डिंग कहां पे? बांद्रा वेस्ट में। आप तो मुंबई के ही लोग हो, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट कितने का बांद्रा वेस्ट में, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, रियली 2.5 करोड़ का ये कुल 1 BHK नहीं कह रहा मैं, ये भी जल्दी कर गए सवाल का जवाब देने। मेरे ख्याल से 1000 में तो 3 BHK बन जाएगा। नाना कितना? 5 से ज्यादा, 9 से ज्यादा, मैं कौन नीलामी क्यों लगा रहे हो आप? हाँ जी, कितना? 9 करोड़। और आप कितने बड़े बिल्डिंग में बैठे हो, जड़ सहित कंपनी की बिल्डिंग है। मेरे पापा कहते थे लोटा वो टिकता इसकी पेंदी भारी होती है, दिस इज द आंसर हियर। ओके, सो आप एक ऐसी कंपनी के साथ है जिसका सॉलिड बैकग्राउंड है। नेक्स्ट, हम बेस्ट प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उसके प्रोडक्ट्स, हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जब बात करते हैं एलोवेरा का, और जब बात करते हैं मधुमक्खी से निकले प्रोडक्ट्स की, बीहाई प्रोडक्ट्स की, हम सबसे बड़ी कंपनी के रूप में स्थापित है। थैंक यू वेरी मच सर। और ये पॉइंट हमें सबसे जुदा कर देता, सबसे पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनी है, हम एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। गौर से समझिएगा इसका मतलब क्या है। 160 देश, लेकिन बनना सामान सिर्फ एक जगह से अगर हो तो क्या ये आसान हो सकता है? यहां दो बातें समझ में आती हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मेंटेन करने के लिए रेक्स का अपना कमिटमेंट, और दूसरा वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट। दो बातें एक साथ क्लियर होती हैं। 160 देश, सामान बन रहा है एक जगह, अपनी जमीन पर खुद खेती करना, खुद जूस निकालना, खुद पैकिंग करना, खुद पैकिंग मटेरियल बनाना, और आप तक पहुंचाने का सारा काम खुद करना, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के, बिना किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व किए, क्या ये बच्चों का खेल हो सकता है साहब? नहीं हो सकता। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं मेरे मेरठ में एक इंडस्ट्री लगा दूं और
इंडिया के सिर्फ 160 जिलों में सामान भेजने की सोचूं इन्हीं कंडीशंस पे, मतलब क्या क्या, ना तो मैं कोई फ्रेंचाइजी रखूंगा 160 जिलों में, ना कोई शेयर होल्डर रखूंगा, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराऊंगा, सब कुछ मेरठ से ही करूंगा, अपने आप अपना स्टाफ अपॉइंट करूंगा, अपने ऑफिस खोलूंगा। 160 जिलों का मतलब जानते हैं कितनी स्टेट्स, मिनिमम 4 स्टेट्स। वो तो शुक्र है अब सब जगह एक सी सरकार बनने लगी है, वरना पहले जब मैं 2 साल पहले कहता तो मैं कहता था कहीं सपा से लड़ना पड़ेगा, कहीं बसपा से लड़ना, बसपा नहीं सॉरी कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा, कहीं भाजपा से लड़ना पड़ेगा, अलग अलग नियम है सब जगह के। पर आज भी अगर आप बात करो 4 स्टेट्स में नियम सब जगह अलग अलग है, क्या आसान काम होगा सर? हम 160 देशों की बात करते हैं, 160 देशों में हमारा यही प्रोसीजर है। ताली वाली बजा। मेरे को जान लगानी पड़ रही इस बात को बताने के लिए आपको, राइट? सो थर्ड इज द बेस्ट प्रोडक्ट, फोर्थ फॉर एवर के साथ बेस्ट कंपेंसेशन प्लान। फॉर एवर आपको जो पैसा आपसे लेती है उसका 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट? और एक लाइव एग्जाम्पल आपके सामने मैं खड़ा हूं और ऐसे बहुत सारे पीछे बैठे हैं जो फॉर एवर से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, राइट? तो बेस्ट कंपेंसेशन प्लान, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट, जिस पर मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था। दो बातों में गौर से देखिए इस बात के भी, पहला 160 देशों में प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिलीवर करना, और दूसरी आपको हर महीने चेक आते हैं, कौन सी तारीख में आते हैं, 15th को आ जाते हैं, कभी 16th हुई किसी की, कभी कभी 12th हो गई। मुझे एक बार का ध्यान है, भी लास्ट टू लास्ट ईयर नवंबर में दिवाली थी और 12th नवंबर को हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, क्योंकि 13th को शायद दिवाली की छुट्टी थी, 14th को शायद संडे था, 15th को शायद फिर भाई दो या कुछ ऐसा था, इसकी वजह बैंक बंद थे, तो 12th को हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। अगस्त भी था, हाँ अगस्त भी था, यस। कभी 16 तारीख नहीं हुई। अब आप सोचिए क्या ये इतना आसान है जितना मैं आपको बता रहा हूं और आपने समझ लिया? पूरी दुनिया में आपके अपलाइन है, पूरी दुनिया में लोग बिजनेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सॉफ्टवेयर को इकट्ठा होना है, पूरी दुनिया की कैलकुलेशंस होनी है, और पूरी दुनिया में एक आदमी मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला, भाई साहब मेरी 54 कमाई है जिस बार, सही कह रहा हूं मैं कसम से, एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं मिला जिसने कहा सर मेरा पैसा कमाया है। ये है वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट, राइट? नाउ इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी, नो इन्वेस्टमेंट, फॉरएवर की सबसे बड़ी विशेषता, यहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, राइट? और नो इन्वेस्टमेंट मींस नो रिस्क, राइट? देन नेक्स्ट फीचर इज हमारे मार्केटिंग प्लान में कोई रिवर्जन नहीं है। अगर आप बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान्स को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके यहां हर आदमी हर महीने जीरो हो जाता है, पहले दिन से मेहनत करता है आखिरी दिन तक मेहनत करता है और अगले महीने की पहली तारीख को बाबा जी का ढुल्लू समाप्त, फिर दोबारा से मेहनत करता है, फिर कोई लेवल अचीव करता है, फिर जीरो, राइट? फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में जो लेवल एक बार पा लेते हैं आप, वो कभी वापस नहीं जाता। इंटरनेशनल बिजनेस हम आपको ऑफर करते हैं, यानी 160 देशों में आप अपने बिजनेस को कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं। देन अगला फीचर, हम आपको वो इनकम देते हैं जिसको कहते हैं रॉयल्टी रेजिडुअल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम आपको एक इनकम देते हैं जो हमारे मार्केटिंग प्लान में लीडरशिप बोनस के रूप में जानी जाती है। एक फनी सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आप में से कितने लोग हैं जो धीरू भाई अंबानी को जानते हैं, अनिल अंबानी को, अमिताभ बच्चन को जानते हैं? मतलब यही कि आए लोग करिए वही वाले की बात कर रहा हूं, जानते हैं? मतलब अमिताभ बच्चन जैसी मैंने कहा आपको शक्ल याद आ गई, कितने लोगों को याद आ गई? अच्छा, अनिल अंबानी की शक्ल कितने लोगों को याद आ गई एकदम? अरे आपके मुंबई के हैं भैया, ओके। सचिन तेंदुलकर, महात्मा गांधी जी, वाओ वेरी ग्रेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितने लोग आपके पिताजी का नाम बताए? अब आप हाथ नहीं उठा, पहले हाथ नहीं उठाया चलता कोई बात नहीं, अभी कितने लोगों को पता है वो हाथ उठाना मेरे लगता बनता है। कितने लोग आपके पिताजी का नाम पता है? दादाजी का नाम कितने लोगों को पता है? दादाजी का नाम, दादाजी के पिताजी का नाम कितने लोगों को पता है? आधे विकेट यहीं डाउन। दादाजी के दादाजी का नाम कितने लोगों को पता है? मेरा भी डाउन है एक्चुअली,
दादाजी के दादाजी के दादाजी का नाम कितने लोगों को पता है? कहीं तो गिराऊंगा बेटा तुम्हें भी, ऐसी बात तो है नहीं, मैं भी पंकज गुप्ता हूँ, तुम कहाँ तक बताओगे मुझे? हम तो जिद में अगर अड़ जाए तो पता नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ज्वाइन करा लें, वो तो अड़े नहीं अभी तक। अब मुद्दे की बात क्या, वो समझने की जरूरत है हमें। हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं, धीरूभाई अंबानी को जानते हैं, अनिल अंबानी को जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, जबकि शायद ही हमारे घर के नहीं हैं, किसी के हैं घर के, लेकिन हम अपने चौथी या पांचवी पीढ़ी के दादाजी का नाम नहीं जानते। क्यों? शायद उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसकी वजह से हम उन्हें याद रख पाते, मे बी ए पॉसिबिलिटी। अब मेरा आपसे प्रश्न है, अब देखो इसका जवाब मुझे पता है क्या होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हो जो ये चाहते हो कि आपके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटा आपको याद करे? आए हाय हाय, आए हाय हाय, क्या बात है, आपकी इच्छा को सलाम साहब। चाहत अच्छी है, चाहत अच्छी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आपको याद नहीं है वही क्यों याद रखेंगे? आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं आपके पास ही आ रहा हूं मैडम। अब वो इसलिए याद रखेंगे क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान एक ऐसा प्लान है जो आपको देता है रेजिड्यूअल इनकम, जो आपके पास ट्रांसफर होती है, इनहेरिट होती है आगे आपकी जनरेशंस को। और मैं आपको बता रहा हूं एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सब लोग स्वर्ग लोक में होंगे। सॉरी, देखो हम सब होंगे स्वर्ग लोक में, तो पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फॉरएवर के लोग नर्क में जाने वाले हैं, ये तो पक्की बात है। और रेक्स ने कहा है, मुझे ध्यान है एक बार हम लोग डिनर कर रहे थे पीछे, कि जब मैं वहां जाऊंगा तो वहां जाकर के भी हर हालत में एलोवेरा की खेती करूंगा। तो उन्हें तो पक्के पकाए नेटवर्कर मिल जाएंगे जब हम वहां होंगे। ओके, तो हम तो वहां काम कर रहे होंगे, लेकिन हम क्या देख रहे होंगे ऊपर से, कि हमारे पोते का पोता हमारी रोजाना तस्वीर को साफ कर रहा है। भाई दिखेगा ऊपर से, कहते हैं दिखता है जब, और रोजाना धूप बत्ती लगा रहा है, रोजाना नई माला कर रहा है, धूप बत्ती जलाते कह रहा है, जय हो मेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप, फॉरएवर किया तूने और पैसा आ रहा है मुझे। याद तो रखेंगे, लेकिन तरीका आपको बता दिया है मैंने। ओके, सो वी ऑफर यू रॉयल्टी रेजिडुअल इनकम विद ए बिजनेस विच इज ट्रांसफरेबल टू इनहेरिटेंस। एक ऐसा बिजनेस हम आपको देते हैं जो आपके बाद आपकी जनरेशन को ट्रांसफर होता है। और हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, जो फॉर्म आप भरते हैं, वो लाइफ लॉन्ग है, उसमें कोई रिन्यूअल नहीं कि साहब आपको हर साल रिन्यूअल कराना होता है। वंस यू ज्वाइन फॉर एवर, यू आर ज्वाइंड इन फॉर एवर फॉर एवर। सही बोल गया मैं? सही बोल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रूवन सपोर्ट सिस्टम। फॉर एवर आपको प्रोवाइड कराते हैं सपोर्ट सिस्टम, और ये सबसे बड़ी खूबी है साहब, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, आपको जो ट्रेनिंग्स मिलती है ना, वो एक दो चार पांच मिलती हैं। मैं इंश्योरेंस के कई अपने दोस्तों को जानता हूँ, कहते हैं भाई तीन चार ट्रेनिंग करके हमें, कहते हैं चलो लग जाओ। फॉरएवर आपको हर वक्त ट्रेनिंग देती है, और वो ट्रेनिंग देती है, वो सपोर्ट सिस्टम देती है जो प्रूवन है पूरी दुनिया में, राइट? यानी हम आपको उस रास्ते पर, यस ताली बजाओ तो ढंग से बजा लो सर, हम आपको उस रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं जिस रास्ते पर चल करके हर रोज बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, which is proven worldwide, right? अप्लाइंग सपोर्ट, forever living products एक बहुत important रोल प्ले करते हैं कि वहां पर आपको इस बिजनेस में, देखो मैंने इसको यहीं क्यों लिखा, क्योंकि बाकी कंपनीज के साथ मेरा बड़ा अच्छा कुछ लोगों का अनुभव मैंने सुना, वो कहते हैं भाई साहब हमें तो डीजी कर दिया हमारे अप्लाइन में। यहां आपके अप्लाइन हमेशा आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे, उन्हें पता है कि जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि क्लैप फॉर योर अप्लाइन, दिल से बजा लो अपने अपलाइन के लिए तालियां। यू नो मेरा मानना है इस बिजनेस में अगर सबसे ज्यादा सम्मान आपको किसी को देना चाहिए अदर देन कंपनी द प्रोडक्ट, आपको अपने अपलाइन को सम्मान देना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बचा बताए दिखाए बताए वट एवर। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि आपके वो अपलाइन ही है जिन्होंने आपको इस लायक समझा कि यू डिजर्व फॉर एवर। ओके, क्लैप फॉर हिम और हर। एक बार की बात है, एक भिखारी भीख मांग रहा था, उसका धंधा बढ़िया नहीं चल रहा था। अब इसमें नहीं क्या बात हो गई यार, अब मैं इसका ना बाद में जो की सुनाऊंगा आपको।
अब उसने कहा चलो क्या जगह करें, तो उसे एक जगह नजर आई कि कैसीनो के बाहर बैठते हैं। कैसीनो में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो हारता है एक जो जीतता है। तो ये बड़ा बढ़िया दिमागदार बंदा था, तो इसने क्या किया, इसने अंदर वो जो कैसीनो था ऐसा कैसीनो चुना जो ट्रांसपेरेंट था। तो इसने नज़र गाड़ी, तो गाड़ने के बाद देखा कि एक बंदा जो लगातार जीते जा रहा है। तो बस अब इसे लग गया गुरु ये बाहर निकलेगा तो मजे आएंगे। अब ये जो बंदा जीतने वाला था ये बड़े मस्त जीत करके निकल रहा है, टशन में ऐसे ऐसे चल रहा है। तो इसने कहा वाह अल्लाह का नाम ले रहे, तो उसने भी एक डॉलर उछाल दिया, इसने कैच कर लिया एकदम। अब बहुत देर हो गई थी बेचारे को, तो एक नेचर कॉल आई, यू नो नेचर कॉल, तो समझ में आ गया जिन लोग नेचर कॉल समझ में आ गया आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। नहीं कोई लोगों को समझ नहीं आया तो बता देता हूँ, वो आमिर खान ने कहा था सू सू, ओके। तो अब जब नेचर कॉल आई तो अब क्या हुआ कि इसने कहा यार ये भी करना जरूरी है। तो जहाँ ये था उस एरिया में गेट खुलने के, जैसे हमारे सुलभ शौचालय हैं तो वहाँ पर गेट खुलने का एक डॉलर लगता था। अभी बेचारा असमंजस में खड़ा हुआ है, यार सुबह से एक डॉलर कमाया है अभी यहाँ लगा दो, अभी जी उसमें सोच में खड़ा था। अचानक जो अंदर बंदा था वो बाहर निकला और इसने मौका एकदम अंदर घुस गया सीधा। अब ये बाहर आया तो उसकी जेब में वो एक कॉइन बचा हुआ था एक डॉलर का। तो इसने कहा गुरु आज कुछ भगवान चाहता है यार, कुछ चाहता है तुझसे। ये भाई अंदर कैसीनो में घुस गया, इसने एक कॉइन डाला, जैकपॉट लग गया। जुए में गंदी आदत होती है, जिन्होंने गर्दन हिलाई वो जानते हैं। आई लव दिस। तो उसने फिर एक और, वो दूसरा भी जैकपॉट लग गया, उसने फिर एक और, उसने पूरा कैसीनो उस दिन खाली कर दिया और रातों रात अरबपति बन गया। जब ये खबर मीडिया में आई तो सारे चैनल वाले पहुंच गए इसके पास कि भाई बढ़िया लगा तुम्हारी कहानी सुन के, अब आप ये बताओ कि आप थैंक्स किसे पे करना चाहोगे। दो तरह के ऑप्शन है आपके पास, एक वो जिसने कि आपको, और एक वो आपके लिए जो गेट खोला। बोले भाई साहब मैं उसको अपना थैंक्स पे करना चाहूंगा जिसने मेरे लिए वो गेट खोला। योर अपलाइन, योर अपलाइन माई डियर फ्रेंड्स, योर अपलाइन, he has actually opened a door for you to find this wonderful opportunity. tum idhar jao, sorry for that, I don't know whether this video will run or not, Ankit, I am not sure because this was not taken, I am not sure, no leave it, no issue, maine bol diya already, maine wo video dikha diya inko, and this is another example of upline. यहाँ पर मैं एक आपसे सवाल ही पूछना चाहूँगा, बड़ा मज़ेदार सवाल है ये। आप सब इमेजिन करो, आप, मैं वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, फॉर एवर की वैल्यूज़, ये मैंने लिखा नहीं एक्चुअली, मैं चाहता तो इस पॉइंट को भी लिख सकता था सीधा वैल्यूज़ ऑफ दिस बिजनेस कंपनी। आप सब लोग एक कंपनी के ओनर हो जिसका टर्नओवर है 100 करोड़ रुपीज़, आप अपनी उस चेयर पर बैठे हो जिसकी कीमत है 100 करोड़ रुपये, मैं आपका एक अदना सा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ जो साल में आपको 15-20 लाख रुपए का बिजनेस देता है, ओके। वन फाइन डे मुझे ऐसा मौका मिलता है, मैं आपके ऑफिस में आता हूं, आप अपनी चेयर पे बैठे हो विच इज एक्चुअली वर्थ 100 करोड़, आप उस चेयर पे बैठे हो, मैं आपके पास आता हूं, आपको हाथ मिलाता हूं, आप मुझे सामने वाली चेयर पे मैं बैठ जाता हूं, क्या इन एनी कंडीशन आप अपनी चेयर मुझे ऑफर करोगे? दिस इज रैक्स, दिस इज रैक्स, द वैल्यू ऑफ दिस कंपनी। ये फ्री में मिलता है हमारे बिजनेस में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लाखों रुपए के कोर्स करते हैं साहब लोग अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, इवन जैसे सेशंस आप फॉरएवर में अटेंड करते हो उसके लिए आपको हजारों रुपए लगाने पड़ते हैं, अगर कहीं आप बाहर कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहो, यहां आपका ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे कई सारे रीजन है, एक आप डिफरेंट सेशंस अटेंड करते हो, फिर दूसरा आप ऐसे लोगों के पास जाते हो जिन्हें कहते हैं लोग, ओके, और डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, आपको उनके साथ बातें करनी होती हैं और आपको डिफरेंट टाइप के लोगों से बातें करने के लिए डिफरेंट चीजें सीखनी होती हैं, तो आप पाते हो कि आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप होती शुरू हो जाती है। बिफोर फॉर एवर मैं शायद 4 लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, बिलीव मी, आज डर नहीं लगता है। दिस इज द पावर ऑफ फॉर एवर, आपका पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू होता है। रिकॉग्निशन,
कितने लोग अच्छा लगता है, लोग उनका सम्मान करें सबको। एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मिसिंग है हमारे लाइफ से, बहुत कम हो पाती है। ये फॉरएवर है जो आपको हर वक्त छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी उपलब्धियों पर आपको रिकॉग्नाइज करती है। एंड यस 17th वन, वी आर अ कंपनी विच इज 100% DSG कंप्लायंट, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस। मुझे बताते बड़ा फख्र होता है कि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग को हिंदुस्तान में कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया था, कोई कानूनी रूप नहीं दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में 26 अक्टूबर वर्ष 2016 को भारत सरकार ने गजट जारी किया और उसके तहत नेटवर्क मार्केटिंग को बोला गया कि अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग को इन इन कंडीशंस को पूरा करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है। एंड आई एम सो प्राउड टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू, पूरे दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द कंपनी जो पहली कंपनी बनी 100% इन नियमों का पालन करने वाली। और बड़ी बात बताता हूं आपको, बजा लो पहले। और बड़ी बात बताता हूं आपको, जब ये गाइडलाइंस आए, तो उन गाइडलाइंस को मैं पढ़ रहा था। मेरे को 5-6 नवंबर में जब ये गाइडलाइंस पढ़ने का मौका मिला तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था। सरप्राइज क्यों था? अप्रैल 2015, अप्रैल 2014 कोई सी भी पॉलिसी बुक उठा करके देखी मैंने तो 95% तो ऑलरेडी इसमें से जो थी ना वो वहां पे से ऑलरेडी हो रखी थी। यानी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे रैक्स मोन से मोदी साहब ने कहा जरा तुम्हारी पॉलिसी बुक दो ताकि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए गाइडलाइन बना सकूं डायरेक्ट सेलिंग। बिलीव मी, ओनली 5% वर लेफ्ट जिसको पूरा कर लिया फॉरएवर ने, एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री जिसने 100% DSG कंप्लायंट कंपनी बनी। सो दीज आर द 17 फीचर्स इन नेट ऑफ फॉरएवर। मैं तो पहले ही आपसे डिस्कस करके बोल चुका था, तो 31 फीचर्स मैंने आपसे डिस्कस किए। इमेजिन कीजिए आपके अपने अपने कामों को, वापस जाइए उन कामों में जहां पर आप हैं, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। हम आपको पानी का बॉटल पीछे है, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ओहो बिल्कुल मेरे ही पीछे थी ये, थैंक यू सर। कुछ आप लोग अपना वक्तव्य देना चाहेंगे अभी जो मैंने बात की? नए कोई व्यक्ति, नए जिन्होंने प्लान देखा है, पहली बार आए, प्लान जरूर देखा वो, लेकिन ऐसे कोई व्यक्ति कुछ बताना चाहेंगे? आज उनके कुछ ज्ञान चक्षु खुले, ज्यादा खुले, कम हुए, व्हाटएवर, ज्ञान चक्षु समझ गया, ज्ञान वर्धन हुआ कुछ आज? कोई नए व्यक्ति फर्स्ट टाइमर? यस सर, अरे वाह, होलसेलर साहब प्लीज बताइए। आपका नाम बता दिए ताकि इससे बच जाए आप। पटेल साहब, कुछ 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 क्या चीज सीखी अभी आपने? क्या लगता है फॉरएवर में दम? आए हाय हाय, मर जावा गुड़ खा के, अभी भी देखोगे? गुड। फॉरएवर ने हाल ही में अभी चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट? एंड सी सम ऑफ द बिग चेक्स। अभी देखना पटेल साहब, इधर देखो सामने, 52,92,000 टू मिस्टर अरुण सुराना। मैं कुछ बड़े चेक्स आपको दिखा रहा हूँ, 57,74,000 टू मिस्टर प्रिंस, आई कॉल हिम प्रिंस, एक्चुअली इसका नाम प्रिंस ही हम बोलते हैं इसको, आनंद गांधी 95,15,000, मिस्टर प्रेम राजन 1.07 करोड़, सॉरी। हेलो सुनील गुप्ता जी 1,60,00,000, 3,84,00,000, 15,679.41 रुपए। सी द पावर ऑफ फॉरएवर। पटेल साहब हाय हाय, अभी मजा आया मुझे, ये वाली गर्दन बहुत बढ़िया लगी। पैसे की भाषा जल्दी समझ में आती है गुजरातियों को, मैंने सुना था वैसे भी। आप गुजराती हो ना? पटेल तो गुजराती हो ना, पैसे की भाषा जल्दी समझ में आती है, सही है, गुड। गर्दन हिली आपकी अब, चलिए एंड सी, वी आर नाउ नंबर 3। इंडिया इज ग्रोइंग, भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे बड़ा फख्र होता है ये बात बताते हुए कि यस, मैं फॉरएवर से एसोसिएटेड हूँ। बड़ा फख्र होता है मुझे, क्यों होता है मैं आपको एक रीज़न और देता हूँ। 8 नवंबर वर्ष 2016 को कुछ हुआ था, आप सबको पता होगा, डिमोनेटाइजेशन।
मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यहां पर भी कुछ बैठे होंगे। 25-30 नवंबर तक पैसा लिया गया है, पुरानी करेंसी ली गई है वहां पर। फॉर एवर इज द कंपनी 8 नवंबर की रात को उस डिक्लेरेशन के बाद से फॉर एवर ने 500,000 के नोट लेना बंद कर दिया था, टोटली बैंड। नाउ आई एम सेइंग दिस, उससे इसका क्या मतलब है? मतलब है, मतलब समझिए क्या है साहब। वर्ष 2015 में 31 दिसंबर को जो हमारा टर्नओवर था वो था 351 करोड़ रुपए, और 8 नवंबर को जब ये घटना हुई, इस बात को बोला गया कि डिमोनेटाइजेशन है और फॉरएवर ने बिल्कुल मना कर दिया 500,000 के नोट लेने का, तो यकीन मानिए सब लोग अपने लिए पैसे इकट्ठे करने में लगे पड़े थे जीविका चलाने के लिए। फिलहाल जो समय था सबको पता है, तो सबका बिजनेस भी डाउन गया। इवन अगर मैं मेरी बात करूं, मेरा बिजनेस भी डाउन गया, राइट। उस दौर के उस 52 दिनों के बावजूद हमारा टर्नओवर 102 करोड़ रुपए बढ़ा था, राइट। सो फॉरएवर इज ग्रोइंग और ये बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आई एम सो प्राउड टू टेल यू, इसे घमंड मत समझिएगा मेरा कि आप फॉरएवर करें या ना करें, ये तो बिजनेस बढ़ने वाला है, राइट। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, करें क्या यार, इस पे भी तो आ जाए थोड़ा सा। कितने लोग थक गए हैं? अरे वाह, ये चैलेंज नहीं है। अब आप लग रहे हो यार ये तो चैलेंज दिया जा रहा है। कितने लोग थका हुआ महसूस कर रहे हैं? चलिए एक काम कर लें, थोड़ा खड़े हो जाइए सब लोग आप, जस्ट फॉर ए चेंज। किसी को छुट्टी तो नहीं चाहिए? कोई लघु दीर्घ शंखा है जी? कुछ नहीं, गजब यार, वेरी गुड। ओके, आप क्या करिए, अपने अड़ोस पड़ोस से थोड़ा हाय हेलो कर लीजिए। मोबाइल नंबर देने के अलावा आप नाम वाम बता सकते हैं। हाय मैम, मेरा नाम पंकज गुप्ता है। I'm Mrs. Khanna. प्लीज हाथ हाथ मिलाओ यार, शर्मा काहे कर रहे हो? बैठ जाओ बस, हो गया। इससे फायदा क्या मिला, जो लोग सो रहे थे वो एकदम उठ गए, क्या हुआ यार, अब तो खड़ा हो जाओ। कोई लोग सोरे, वाह वाह छुट्टी हो गई। यू नो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, इफ यू वांट टू गो यू कैन लीव दिस रूम, नो इशू। आई एम ओके, अगर आप ओके हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपका ओके होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट, इफ यू फील कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए, प्रफुल भाई व्हाट टू डू, कैन आई? नहीं नहीं, मैं तो कर सकता हूँ सर, आई कैन, बट आई एम आस्किंग अबाउट देम ना, थोड़ा सा पेशेंस। कल को पता चला आपको गाली दे, भैया मजबूरी थी यार, गेस्ट बुलाया था तुमने बाहर मेरठ से, तो छोड़ के तो जा नहीं सकते थे यार, क्या बुला लिया तुमने यार, इतनी देर तक बोलता चला गया। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, कैन वी कंटिन्यू दो तीन घंटे और? अरे वाह, फिर ताली बजाओ अपने लिए आप लोग। नाउ व्हाट नेक्स्ट टू डू, सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको अपने अपलाइन में फेथ करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो इस बिजनेस में, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था, जो अपलाइन है वो हमेशा आपकी तरक्की चाहता है। वो कोई कंडीशन ही ऐसी नहीं बनती जिसमें वो आपको कुछ गलत बताए, कोई कंडीशन नहीं बनती मेरे अनुसार, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपको उसने कुछ गलत बताया या आपका बिजनेस उस गलत बताने से खराब हुआ तो उसका पहले होएगा, राइट। यू हैव टू हैव फेथ इन योर अपलाइन बिकॉज ही इज द लैंप लाइटर फॉर यू, वो आपका पथ प्रदर्शक है, वो आपको आगे राह दिखाने वाला है। मैं अगर बोलूं तो मेरे अनुसार अपलाइन की व्यवस्था क्या स्थिति होती है, आई डोंट नो यहाँ मुंबई में फॉग पड़ता है कि नहीं पड़ता है, होता है फॉग? फॉग में आप लोगों ने कुछ गाड़ी वाली चलाई है वैसे कभी? नहीं। कम टू मेरठ प्लीज इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंजॉय दिस। आप लोगों ने फॉग में गाड़ी नहीं चलाई? ओ माय गॉड, फॉग को एंजॉय भी नहीं किया आपने? मेरठ आओ आप सब लोग, मैं शिमला भी जाने को नहीं कह रहा, प्लीज कम टू मेरठ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर टिल 15th ऑफ जनवरी, बड़ा मजेदार फॉग होता है। सुना तो होगा ना फॉग? आप तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई मैं मंगल ग्रह का प्राणी आ गया हूं, सब ऐसे देख रहे हो, अच्छा तुम्हारे फॉग भी होता है, ओ। ओके, मैं आपको क्या बता रहा था, मेरे लिए अनुसार अपलाइन क्या है। फॉग में जब गाड़ी चलती है ना, तो मान लीजिए मुझे बहुत भयंकर
जरूरी काम है, मुझे मेरठ से दिल्ली जाना है, जस्ट एन इंस्टांस। मैं अपने घर से निकला, फॉग नहीं था, थोड़ा आगे बढ़ा, बहुत भयंकर फॉग आ गया, बहुत भयंकर फॉग, इतना डेंस्ड है कि मैं आगे चल के देख भी नहीं सकता हूं कुछ भी, मैं गाड़ी भी नहीं छोड़ सकता इस समय, क्योंकि सड़क पे गाड़ी छोड़ना रिस्की होगा, और मैं घर भी नहीं जा सकता क्योंकि मुझे वहां पहुंचना जरूरी है। कोई जानता है, कोई मुझे सजेस्ट करेगा ऐसे मुझे क्या करना चाहिए, क्या करता हूँ मैं? अरे पटेल साहब बताइए, अरे आप क्या चलता है फॉग? अरे लाइट से नहीं दिख रहा भैया, आप फॉग में गए नहीं हो ना अभी, पता चल गया आपकी बात से, आपकी बात से पता चल गया फॉग में गए नहीं हो आप, वरना लाइट से पता ना चले, ट्रेन ना चल पाती हमारे यहाँ लाइट से जी। और कोई बताइए, कोई फॉग लाइट से भी नहीं होता सर कोई काम, कुछ और अच्छा रास्ता बताइए, कुछ याद हो अच्छी बात है, चलो मुंबई लोग, आज मैं मुंबई के लोगों को बता के जा रहा हूँ मेरे यहाँ फॉग बढ़ता है, कम से कम एक चीज में मैं आ गया हूँ। वाह, कोई कवर नहीं, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करूँगा, मैं बताता हूँ सर, आप बता दो, आप बताओ। चलिए मैं आपको फॉग की एक बड़ी खूबी बताता हूँ, मैं आपको फॉग की एक खूबी बताता हूँ, चलो मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ। फॉग में आप गाड़ी तो चलानी जारी रखोगे भाई साहब के अनुसार, लेकिन आपका स्टीयरिंग ऐसे होगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप गड्ढे में गिर गए, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि सड़क तो मुड़ेगी ना, फॉग में आपको दिखेगा ही नहीं सड़क मुड़ रही, आप तो कह रहे हो मैं तो सीधी चला रहा था, सीधे सामने गड्ढा था। हमने जिया है फॉग को मैडम। ओके मैं बताता हूँ क्या करते हैं हम लोग, हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा ट्रक उसके पीछे अपनी कार लगा देते हैं, बिलीव मी वो बड़ा ट्रक जो है वो हमें दिख रहा है, हम उस बड़े ट्रक के पीछे अपनी कार लगा देते हैं और वो धीरे धीरे चल रहा है, हम उसके पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं सेफ होकर के। आपका प्रश्न होगा कुछ कुछ, वो बड़े ट्रक से थोड़ा रोशनी उसको विजिबिलिटी ज्यादा होती है, थोड़ा ऊंचाई पर होता है वो, दिस इज द वे वी डू। यहां मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया, आप रिलेट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके यहाँ फॉग होता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था, वरना मैं कुछ और तैयार करके लिया था, मेरी एक्चुअली कच्ची कॉपी पे ही लिखा हुआ था। आपका जो अपलाइन है वो ट्रक है, फॉरएवर में आपने ज्वाइन किया है, आप फॉग में हो, सब कुछ धुंधला है आपके सामने, आपको सिर्फ करना क्या, अपनी गाड़ी को उसके पीछे लगा दो बस। वाओ, अरे भाई ने वाओ कर दिया, बस मजे आ गए, दिल खुश हो गया मेरी आज, क्या कहें वो मेरा पूरा दिन पूरा हो गया बस भाई ने के वाओ सुन करके। और आपको अपने ऊपर भी फेथ करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इनिशियल लेवल पर यकीन मानिएगा, चाहे वो मैंने 31 खूबियां आपको बताई, चाहे मैंने आपके ड्रीम्स की बात की, चाहे मैंने मेरे लाइफ के बारे में बताया, चाहे मैंने मोदी जी के बारे में बताया, सब कुछ मैंने आपको दिखाया, इनिशियल लेवल में आपको चैलेंजेस आएंगे, और जब चैलेंजेस आएंगे तो सबसे ज्यादा टूटने वाले व्यक्ति भी आप ही होंगे, या सबसे ज्यादा निखरने वाले व्यक्ति भी आप ही होंगे। फॉरएवर करते हुए तीन घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। पहली, आप भगवान को प्यारे हो सकते हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में है, इट इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल। दूसरी घटना, आप फॉरएवर क्विट कर सकते हो, जो सिर्फ आपके हाथ में है। और तीसरी घटना, आप फॉरएवर में डायमंड बन सकते हो। नाउ लेट मी फिनिश। पहली घटना आपके हाथ में नहीं है, भूल जाते हैं, अगर आपने दूसरी घटना नहीं होने दी तो तीसरी होके रहने वाली है, राइट? और आपने ट्रेन में बैठे हो आप लोग, ट्रेन में जब ट्रेन चलती है तो सबसे आगे क्या लगा होता है साहब? वाओ, इंजन, और पीछे क्या लगे होते हैं? डिब्बे। सबसे ज्यादा पहले ताकत कौन लगा रहा होता है? इंजन पूरी ताकत लगा रहा, पूरी ताकत लगा रहा होता है, होता है नहीं होता है? फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसके साथ डिब्बे जोड़ना शुरू होते हैं, डिब्बे पीछे से धक्के मारते हैं, और एक चीज होती है डिब्बे धक्का, इंजन को कुछ नहीं, आराम से खड़ा हुआ वो चलते जा रहा, पीछे धक्के लगते जा रहे हैं, वो स्थिति आएगी। पहली स्थिति आपको बनानी होगी, आपको अपने इंजन की फुल पावर से डिब्बों को खींच के ले जाना है। एक बार ये ट्रेन दौड़ पड़ी तो यकीन मानिएगा कोई रोक नहीं पाएगा इसको, बिलीव मी। एंड फॉर दैट यू हैव टू डेवलप फेथ ऑन यू। लोग अगर मना करते हैं करने दो, लोग आपको हंसी उड़ाते हैं उड़ाने दो,
वो तो किशोर दा ने गाना भी गाया था, मुझे अभी भी ध्यान आया। कह तुम भी गा के सुनाओ जरा, कसम है तुम्हें विद्या माता की, विद्या माता की कसम है बेटा, बड़ी कसम दी मैंने तुम्हें, हमारे यहाँ खाई जाती विद्या माता की कसम। अरे तो गाना भी सुना दो। हाँ जी कोई सुनाएगा? नहीं मैं तो, मेरा तो गला सेट हो रखा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आगे क्या है प्रफुल्ल भाई? छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए रहना। रहना मतलब उन्होंने किसी रोमांटिक मूड में कहा होगा, हमारा मतलब है रहना का मतलब लाइफ ना खत्म हो जाए कहीं। बिलीव मी, लोगों को कहने दो, लोग कहेंगे। तो लोग अगर आप पर हंस रहे हैं तो वो कोई गलती नहीं कर रहे, कि लोगों का काम क्या है पता है आपको? मैं आपको बताता हूं लोगों का काम क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, मुझे याद आ गई कि स्टोरी छोटी सी, एक बार की बात है, उस समय की बात है जब ट्रंक कॉल हुआ करती थी, उस समय की बात है जब हर काम शिप के थ्रू होता था। तो हिंदुस्तान के गुजराती भाई को, बिजनेसमैन को एक ऑर्डर आया कि 50 मेंढक भेज दो अमेरिका। अब इस गुजराती भाई ने क्या किया, इसने एक टीन का कनस्टर लिया, 50 मेंढक छोड़ दिए और उसको फोन कर दिया, भाई इस वाले शिपमेंट के थ्रू मिल गया, कंसाइनमेंट निकल गया, ये वाला उससे बिल्टी लेके छुड़वा लियो। ठीक है साहब, अब अमुक डेट पे जिस दिन वो पहुंचना था शिप, ये अमेरिकन वाला जो बिजनेसमैन था ये पहुंचा शिप पे, तो वहां देखा वो कनस्तर में 50 मेंढक, उसने गिने तो गिने पूरे थे और कनस्तर खुला हुआ था। उसने फोन किया गुज्जू भाई को, बोले भाई एक बात बता, तुझसे मैंने 50 मेंढक मंगवाए वो तो आ भी गए ठीक है, लेकिन तूने कनस्तर खुला हुआ भेजा, तुझे डरने लगा? मेंढक तो, मेंढक की फितरत क्या है, पुदकता है वो। तो गुज्जू भाई ने कहा तूने उसके अंदर एक वो नहीं देखा, केकड़ा? केकड़ा नहीं देखा तूने? अब उसमें जो भी मेंढक पुदकने की कोशिश करे, नीचे बैठ, नीचे बैठ। यही काम है हमारे लोगों का, वो उठने नहीं देना चाहते, वो चाहते नहीं हमें कि हम ऊंचे उठें। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फेथ अपने ऊपर करना है। बिलीव मी, इन द बिगिनिंग देयर आर चांसेस लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, देयर आर चांसेस लोग आपको मना करेंगे, देयर आर चांसेस आपका बिजनेस बहुत तेजी से नहीं बढ़ा जितना सोच करके आप आए हो, देयर आर चांसेस। बट अगर आप टिक गए तो आप यहां इतिहास बनाओगे, आप यहां प्रफुल्ल बनोगे, आप यहां राजीव जी बनोगे, आप यहां नाना बनोगे, बनोगे राइट, नाना तुम खड़े हो जाओ यार, ये लोग हंस रहे मेरे ऊपर, इधर आओ। मैंने कहा ये, ओ सॉरी, जल्दी इधर आओ, नाना इधर आओ, नाना इधर आओ, इनका नाम नाना है। मैंने कहा आप यहां टिक गए तो आप नाना बनोगे, ओ हमारे नाना है, बाई नेम नाना है हमारे। सर कुछ बोलिए, सर वहां से बोलिए, कुछ बोलिए ना। ओ अभी हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं, इनसे कुछ ज्ञान ले रहे हैं और बहुत कुछ बातें, मैं आज इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि इसका एहसास नहीं। आज शाम का डिनर मेरा आपके साथ है, ठीक है? मैंने वैसी बुकिंग ले ली। हो ये हम ऐसे खुशकिस्मती है कि ये जो प्लेटफॉर्म है 2.1 बिलियन डॉलर का है ना, कल को हमारा कैलाज भी आ सकता है, यार आता है ना। और जो आज किसी ने हाथ ऊपर किया 2 CC करने के लिए, या असिस्टेंट सुपरवाइजर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, वो भी आ सकता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है यहाँ वर्ल्ड में, है क्या कोई प्लेटफॉर्म? टाटा बोलता है कि मेरे स्टेज पे आइए, मेरे पोडियम पे, बिरला बोलता है आइए, धीरे भाई अंबानी बोलता है आइए, नहीं। तो ये प्लेटफॉर्म आपको, ये आपको ऑफर कर रहा है, कौन कर रहा है? और एक पंकज साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई, हम तो बोलते रहते हैं हमेशा, इस वर्ल्ड का एक ही मंत्र है, क्या है? एक ही मंत्र है सभी के लिए, एक ही मंत्र है, बोलिए ना, किसी को कुछ मालूम है तो बोलिए। खन्ना जी,
एक ही मंत्र है, जो शिकेल तो आणि जो टिकेल तो बस सीखना ही है। जो सिखेल तो, जो सिखेल तो, मतलब जो सीखेगा वो टिकेगा, यही मतलब। देखो मैं भी मराठी सीख गया, क्या बढ़िया बात है यार, वाह। जो सिखेल तो टिकेल, यही मतलब हुआ। थैंक यू पंकज, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपको हर हालत में, इन एवरी कंडीशन, अपने ऊपर फेथ करना है। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? और फेथ एक ऐसी चीज है, मैं आपको बता दूं, जो आपको यहां पर बिठा रखी है, जिसने आपको यहां बिठा रखा है। जब आप घर से चले थे तो आपको ये फेथ था, मैं फॉर एवर ऑफिस पहुंचूंगा। रास्ते में जैम मिला होगा, कुछ लोगों को मिला हो, क्या आपका फेथ हिला? आप पहुंच गए ना। अगर आपने कोई एक मौका नहीं दिया अपने फेथ को हिलने का, तो बिलीव मी, जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। डरिए मत, परेशान मत होइए। इस जीवन में सफलता हर व्यक्ति को मिलती है, और हर वो व्यक्ति जो बिना संघर्ष के सफल हो गया है, उसकी सफलता बड़ी क्षणिक होती है, फैक्ट है। तो यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट, एंड फॉर दैट आपको अपने अंदर फेथ डेवलप करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करना है आपको? अपने अपलाइन के साथ बैठना है। जैसे मैंने भी आपसे कहा कि ये जो बिजनेस है, इसमें आपके लिए बड़ा ट्रक, आपके लिए उस अंधकार में, उस धुंध में चलने के लिए आपके अपलाइन है, वो आपसे बेहतर जानते हैं। अब अपलाइन की अगर मैं बात करूं तो इतना जरूर है, मैंने यहां पर एक शब्द थोड़ा गलती चाहूंगा, मिस कर गया, यहां पर शब्द लिखा जाएगा सिट विद योर एक्टिव अपलाइन, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठिए। वो व्यक्ति जो आपको लगता है यस मेरे अपलाइन में एक्टिव है और ग्रो कर रहा है लगातार, आप उनके साथ बैठिए। बैठ करके उनके साथ डिस्कस कीजिए, मुझे इस बिजनेस में ये चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहां कुछ महिलाएं बैठी हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भावनात्मक रिश्ता किसका होता है? मां और बच्चे का, बिल्कुल ठीक। मेरा मानना क्या है साहब, मां भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोता है। मां जो इतना भावनात्मक रिश्ता लेके रखे हुए है, वो भी अपने बच्चे को दूध तब पिलाती जब वो रोता है। अगर बच्चा हंस रहा है, किलकारियां मार रहा है, तो मां बर्तन साफ कर रही है, घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, रोटी बना रही है, जहां बच्चे के वाले तो वे भैया अभी दूध पिलाओ भाई, हाँ या ना? आपको भी अपने अपलाइन को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे इस बिजनेस में आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। उसे कैसे पता चलेगा? हाउ कम ही नो यू? आपको अप्रोच करना होगा बताने के लिए कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, एंड ऑन दैट बिहाफ ऑफ ऑल अपलाइंस आई कैन कमिट यू कि आपका हर अपलाइन आपकी एक आवाज पर उठ करके आपके साथ आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए तैयार बैठा है। ओके, तो आपको अपने अपलाइन के पास बैठना है, इसलिए बैठना है क्योंकि मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि वो आपकी तरक्की चाहते हैं। लेकिन कौन से अपलाइन है? थोड़ा सा इसमें एक मैंने जो मैंने यहां लिखा नहीं, गलती हो गई, एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। ओके, क्योंकि अपलाइन में क्या है, मान लीजिए भाई साहब ने कल ज्वाइन किया, इन्होंने मुझे आज ज्वाइन करा लिया, अभी ने अलीफ लैला का अ पता नहीं, तो मुझे क्या बताएंगे अभी? तो ऐसी कंडीशंस में मुझे किसके पास बैठना होगा? जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ। नेक्स्ट, डिस्कस व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ एंड हाउ इट इज पॉसिबल थ्रू फॉरएवर। आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और बैठ करके बताइए कि मैं अपने जीवन में क्या क्या चाहता हूं या चाहती हूं, और उनसे पूछिए ये फॉरएवर से कैसे सक्सेसफुल होगा, मुझे बताइए। तीन या चार लोग मुझे ऐसे मिल सकते हैं जो कुछ बताना चाहते हैं जीवन में, कुछ चाहते हैं। आज कुछ क्लियर हुआ, शुरू से हम लोग करीब करीब दो घंटे बातें कर चुके हैं अभी तक, कुछ चाहते हैं वो लाइफ में, तीन या चार लोग आइए सर, आ जाओ आप भी। अभी तो बहुत लोग कमी हाथ उठा रहे हैं, जो भी हाथ उठाएगा उसे मौका मिलेगा ही मिलेगा। नो फीमेल, फीमेल्स के तो बड़े सपने होते हैं, या मुंबई में लोग सपने फीमेल्स नहीं देखती, मेल्स ही देखते हैं। यस मिसेस खन्ना, नो ड्रीम यू आर हैविंग, सो व्हाई? ओके, टू मोर,
थोड़ा सा बदलते हैं, कुछ महिलाएं, अगर एक दो महिलाएं आए तो? नो महिला, नो फीमेल, व्हाट हैपेंड? ओके, दो और लोग आ जाओ, कोई जो अपने ड्रीम शेयर कर सकते हैं, आ जाओ सर। अच्छा, इनका बढ़िया अंदाज लगा, गुड, आई लाइक दिस, वाज इट फॉर मी? ओके ओके, कोई दो लोग और जो अपने सपने बता सकते हैं कि लाइफ में चाहते हैं? नॉट यू अरविंद, तुम्हारी गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं आने का, मेरी याददाश्त बड़ी अच्छी है। शेयर सम ड्रीम्स, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? थोड़ा सा जिस पे चर्चा करते हैं, ड्रीम्स का, चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं हमेशा कहा करता हूं कि मैं 24 घंटे अकेले शब्द ड्रीम पे बोल सकता हूं, थोड़ा जिस पे बोलेंगे सर, योर ड्रीम्स। उधर 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 माइक चालू है। हेलो एवरीबॉडी, हाय, मेरा ड्रीम है कि मेरे को फॉरएवर से फेम और नेम चाहिए। क्यों चाहिए सर? अभी तक जितना भी मैंने स्ट्रगल किया है। आपका नाम क्या है? भरत राजगुरु। भरत राजगुरु, गुरु राजगुरु, फैमिली से रिलेशन है कुछ? नहीं सर। ओके, हाँ कहना चाहिए था आपको। ओके ठीक है, भरत राजगुरु, आपको नेम और फेम क्यों चाहिए? सर मैं अभी तक जितना भी स्ट्रगल करते आ रहा हूँ वो मेरा सबसे बड़ा रीजन है। किससे लड़ रहे हो अभी? लड़ाई किससे आपकी, किससे स्ट्रगल कर रहे हो? सर फाइनेंशियली। अच्छा, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको उसके लिए नेम एंड फेम चाहिए। जी ओके, चलिए आइए प्लीज, जोरदार तालियां भरत राजगुरु जी के लिए। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुजीत है और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आज सभी आप लोग यहाँ पे आए रिस्पेक्टली और इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग है और जहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है और लाइफ में बढ़ सकते हैं। आपके सपने प्लीज, है ना। और मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं यूपी से रहने वाला हूँ और पिछले मुंबई में तकरीबन 4 साल से रह रहा हूँ। बट मेरा जो ड्रीम है, बचपन से ही मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे बहुत, मैंने स्ट्रगल किया फाइनेंशियली, बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ पे मैंने, मतलब जो एकदम डाउन होता है ना, उस तरह का लाइफ में जिया हूँ। तो मेरा एक ही टारगेट है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, जो मेरा गोल, मैं अगर आज कहूँ तो आज अगर मेरी जो खर्चा है महीने का, अगर 50,000 रुपये है मेरे हिसाब से, जो लाइफ स्टाइल अगर मैं सोचता हूँ, तो मेरी इनकम उससे 4 गुनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपये होनी चाहिए। तो मैंने मेरा टारगेट सेट किया, पहला जो मेरा ड्रीम है तो बहुत बड़ा है, मैं तो, मेरा एक ड्रीम है जो मैं हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता हूँ, रियली मैं करके दिखाना चाहता हूँ और मैं करूँगा, मुझे पक्का बिलीव है और मैं करूँगा, 100% करूँगा। और मैं यहाँ पे एक्चुअली आप लोगों के सामने क्यों आया कि मैं ये कमिट करने के लिए आया, और मुझे बिलीव क्यों है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस तरह से काम भी कर रहा हूँ। रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ और 6 बजे घर से निकल जाता हूँ, कभी खाना खाता हूँ कभी नहीं खाता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ कंटिन्यू और डेली लर्निंग करता हूँ। ज्यादा डराओ मत, डराओ मत, है ना, सुनो, नहीं डर नहीं रहा एक्चुअली, थोड़ा वो स्टेज पे, मैं कह रहा हूँ डराओ मत, आप सिर्फ ये बताओ आपका ड्रीम, एक तो हेलीकॉप्टर, इसके अलावा? मेरा ड्रीम है, देखिए मैं फर्स्ट टू फर्स्ट मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में जो ये लोन नाम का चीज़ है ना, वो बहुत मुझे परेशान करके रखा है, उसको मुझे कंप्लीट करना है। और बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है, जैसे मेरी माँ है, बहुत सारे लोग, मैं इस दुनिया में क्यों आया, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर जो कर्ज है मुझे उतारना है, और मैं कंप्लीट ये सारी चीज़ों करने के लिए, और मुझे एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए जहाँ पे मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, और एक गाड़ी होनी चाहिए, जो मैं अभी मैंने डिसाइड किया मैं गाड़ी लूँगा ऑडी A6, जो ब्लैक कलर की, क्योंकि मॉडल भी मैंने डिसाइड किया है, डेट भी डिसाइड किया है, और घर भी मुझे मैंने डिसाइड किया 4 BHK, जिसका मैंने प्राइस कॉस्ट निकाला जो तकरीबन आज के टाइम में 9 करोड़ का है, और उसके हिसाब से मुझे लेना, तो कितना इनकम मेरा महीने का होना चाहिए, वो सारा सब मैंने कैलकुलेट करके रखा है इस तरह से। तो फॉरएवर इस लेवल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बस यहाँ पे मुझे हार्डवर्क करना होगा और सीखने के लिए रेडी रहना है और कंटिन्यू काम करते रहना और आगे बढ़ते रहना। धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको भी बता रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे लग रहा है मुझे वहाँ बैठ के सुनना चाहिए था, मैं गलत कर रहा, यहाँ खड़ा हो गया। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सूक्ष्म में बोलेंगे तो लंबा मैं कर दूंगा, अगर आप लंबा करेंगे तो मैं बैठ के सुनता हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम जितेंद्र है, रजक जितेंद्र, वही जो तुषार के पापा हैं, वही समझ लिए सर। अच्छा अच्छा, तो मेरा जो एक सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ के लोग मुझे प्राउड फील करे कि ये वाकई में प्राउड फील करे मेरे पे, प्राउड फील करे, प्राउड फील करे मेरे पे कि वो जो एरिया में रह रहा है FLP का वाकई में डिस्ट्रीब्यूटर पावरफुल है। और मेरा ड्रीम ये है कि एक पड़ोस के लोग आप पर प्राउड फील करें, पड़ोस के लोग, पड़ोस के मतलब घर के लोग नहीं करें,
व्हाट अ ड्रीम यार, न्यू ड्रीम एक्चुअली फॉर मी। और मेरा जो ड्रीम है एक अच्छा सा बड़ा बंगलो हो और एक मेरे पास खुद का एक मर्सिडीज कार हो। होए होए ठीक है। और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे आसपास में मेरे दो चार ऐसे शॉप हो। कैसी? फॉरएवर जैसी? फॉरएवर जैसी स्पेयर पार्ट की दुकान हो जो कि मैं ऑलरेडी करता हूँ। मेरा ये ड्रीम है। फॉरएवर कब करोगे फिर? यस, फॉरएवर वर्कर लगाऊंगा ना। ठीक है, आपका नाम जितेंद्र। फुल टाइम करूँगा वर्कर लगा के। ये मेरा सपना है कि मैं अच्छा बंगलो लूँ और अपना फैमिली और बच्चे को एक अच्छा शिक्षा और अच्छा एजुकेशन में दू। क्योंकि मैं खुद, हाँ यस, मैं मैरिड हूँ और मेरा एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन मैं आज जो सोच रहा हूँ कि मेरा से अच्छा मेरा बच्चा और मेरा फैमिली मेरे से बेटर लाइफ जिए, इसके लिए मेरा फॉरएवर प्लेटफार्म है। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, अरे आपका रिवॉल्वर पीछे। अच्छा सॉरी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम मेहुल है और मैं देसर से बिलोंग करता हूँ और मेरा ड्रीम है एक लग्जरियल फ्लैट और फोर व्हीलर गाड़ी एंड और ये फॉरएवर कंपनी में बहुत अच्छा से अच्छा लेवल तक पहुँचना है, ये मेरा ड्रीम है। आपका नाम क्या बताया आपने? मेहुल। मेहुल, ओके, थैंक यू मेहुल, जोरदार तालियां सबके लिए, थैंक यू। आज थोड़ा खुल के ड्रीम से बात करते हैं, थोड़ा खुल के बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बड़ा अच्छा लगा, चार लोग आए, मैं याद करने की कोशिश करूंगा। भरत, राजगुरु, मैं एक्चुअली राजगुरु से कंफ्यूज हो रहा था कि कहां से शुरू करूं, भरत से कि राम से। भरत, राजगुरु, देन फिर सुजीत, वेयर आर यू सुजीत? सुजीत तुम तो बहुत बड़ा बोले यार, बढ़िया भी बोले बड़ा भी बोले। देन फिर आए जितेंद्र कपूर, जितेंद्र ओ उधर सामने, और लास्ट में आए मेहुल, वेयर आर यू मेहुल? ओके, चार लोग आए, चार लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा बोला। सबसे पहले हम सपनों पर बात करें, क्योंकि मैंने जहाँ यहाँ लिखा है तो मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि यस, हमें पता होना चाहिए लाइफ में हमें क्या चाहिए। आप लोग मानते हो बात, फैक्ट है? yes. क्या हम ये मान करके सोच करके काम करते हैं लाइफ में? कौन से याद करके बताओ। एक्चुअली मैं अगर बताऊं आपको तो हमें पता ही नहीं होता हमें जाना कहाँ है, फैक्ट है ये। पहले मैं शुरुआत करता हूं, एक रेलवे स्टेशन चलते हैं हम लोग बुकिंग कराने, सब लोग कैसे बुकिंग कराते हैं देखिए। आप एक रेलवे स्टेशन पे गए हैं, वहाँ बुकिंग कराने के लिए विंडो पे पहुँचे हैं, विंडो पे जा करके आप कहते हैं भैया एक टिकट देना, क्या क्वेश्चन होगा उसका? कहीं का भी दे दें यार, ऐसा कहते हैं कि आप उसे बताते हो भैया मेरे को अहमदाबाद जाना है, ठीक है। अब आपसे वो अगला सवाल पूछता है, जी कौन सी ट्रेन का? अब कोई सी भी ट्रेन का दे दे यार, जो खाली हो दे दे, ऐसा कहते हैं क्या? हम नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? भैया वो साबरमती एक्सप्रेस का दे दे। आई डोंट नो वेदर ये चलती है नहीं चलती, मैंने नाम ले लिया क्योंकि साबरमती अहमदाबाद से रिलेट करती है इसलिए। अब तीसरा सवाल जैसे उसने पूछा, आपने निकाला जूता और मारना शुरू, तुझे प्रभु ने इकट्ठा कैसे ज्वाइन कैसे कराया? उसका सवाल बेचारे कहता है जी कब का देना है, तू कभी कभी दे दे, परेशान कर रखा है यार, कमाल है, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कहते हम, कहते हैं क्या? सोचो, एक छोटी सी जर्नी की डेस्टिनेशन हम निर्धारित करते हैं, व्हीकल निर्धारित करते हैं और साथ ही साथ हम डेट निर्धारित करते हैं। लाइफ में ऐसा क्यों नहीं करते? कहीं भी ले जाओ प्रभु, जहां तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारे बच्चे हैं, जैसा पहुंचा दोगे बस, तुम्हारी छत्र छाया है प्रभु, बस। वॉन्ट वर्क, बिलीव मी इट वॉन्ट वर्क, रियल फैक्ट है लाइफ के लिए। भगवान भी कर्म को प्रधान मानते हैं, जिस भी धर्म को आप बिलोंग करते हैं सब जगह कर्म को प्रधान माना गया है। यू हैव टू एक्ट एंड फॉर दैट यू हैव टू डिजायर। आपको अपने सपनों पर आना होगा, क्योंकि मेरा मानना है सबसे पहली चीज है, दुनिया में कोई भी चीज बाद में आती है, सपना पहले आता है। आप मानते हो इस बात को? प्रूफ करते हैं ना, वो आजकल वैसे ही बच्चे कहते हैं मान लो, पे कैसे मान लें भाई, प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं प्रूफ करता हूं, इस रूम में बल्ब जल रहे हैं, बल्ब पहले आए या सपना पहले देखा गया था? एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है,
ये पहले आया है या सपना पहले देखा गया? ये पहले बना या इसका सपना? मेरे यहाँ माइक लगा हुआ है, ये पहले आया है इसका सपना? कंप्यूटर है यहाँ पर एक, पहले आया है सपना? हम और आप, हेलो, वेर आर यू लेफ्ट लॉस्ट, कहाँ हो आप? हम और आप पहले आए या हमारा सपना पहले देखा गया? फैक्ट है ये, इस लाइफ में सपना पहले देखा जाता है, चीजें बाद में आती हैं। और हम, मेरा मानना है ड्रीम इज द सब्जेक्ट विच इज द सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा छोड़ा गया हमारी लाइफ में। हम लोगों को एक, मैंने शुरू में भी बोला था इस बात पे, हम लोगों को एक ऐसी लाइफ के बारे में बताया गया जिसमें डर ज्यादा हो, जिसमें ऊंचा चढ़ने में डर ज्यादा हो कि ऊंचा चढ़ेगा तो नीचे गिरेगा बेटा जरूर। Am I right or not? इसीलिए हम सपने देखने से डरते हैं, और इसलिए हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर ने भी लिखा है कि लोगों को सपने देखने से डर इसीलिए लगता है कि उस प्राइस टैग को पे करने के लिए एक तो वो तैयार नहीं होता, कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का डर होता है कहीं वो फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। आपको अपना सपना तो लेना होगा हर हालत में, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक लेना होगा। यहां जो चार लोग आए, हम थोड़ा सा इनके सपनों को एनालाइज करते हैं, प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए यहां पर कोई बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है चार आप हैं तो आप यहां पर बैठे सब लोगों की जुबान थे, ओके, तो मैं आपको कह करके कोई डिग्रेड नहीं करने वाला हूं, ना आपकी कोई हंसी उड़ाने वाला हूं। जब सबसे पहले आप आए राजगुरु साहब, तो आपको क्या चाहिए था? क्या इसकी कोई इमेज है? नेम और फेम की कोई इमेज आपके दिमाग में आती है? कोई इमेज नहीं नजर आती, बिलीव मी, मुझे कभी नजर नहीं आती नेम और फेम की कोई इमेज। फिर आए हमारे वो विशाल साहब, कहाँ हैं साहब? सुजीत कुमार जी। सुजीत कुमार जी तो जब खड़े हो रहे तो मुझे लग रहा था ये रेस लगाने वाले हैं, बेटा ट्रिगर दबा पंकज गुप्ता अब तू, ओके, रियली आप ऐसे खड़े हुए थे, मुझे बड़ा मज़ेदार आ रहा था, वो सीन भी बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप बोले। सुजीत कुमार साहब, आपको क्या क्या चाहिए? एक हेलीकॉप्टर, बैठे हो आप हेलीकॉप्टर में, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आप सब लोगों से। क्या कभी आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो अभी तक? नहीं बैठे। जो हेलीकॉप्टर आप खरीदने वाले हो, क्या आपने उसकी पिक्चर को कभी देखा है? देखा है। बैठे क्यों नहीं? बारे की बात नहीं कर रहे, बैठे क्यों नहीं? फिर आपको कुछ और भी चाहिए था, कौन सी गाड़ी भी बोली थी आपने, लग्जीरियस कार, ऑडी A6 ब्लैक कलर, बैठे उसमें? नहीं बैठे। फिर आए हमारे जितेंद्र साहब, वेयर आर यू जितेंद्र? आपको क्या चाहिए था? खड़े हो जाइए प्लीज। एक और भी था, आपने कहा था मेरे पड़ोसी प्राउड फील करें, बड़ा बढ़िया लगा मुझे ये बात, मैं समझा नहीं यार आज तक, मैं हमेशा सोचता था मेरे घर वाले मुझ पे प्राउड फील करें, ये पड़ोसियों वाला किस्सा समझ नहीं आया मुझे मेरे, थोड़ा शादीशुदा आप वैसे बता रहे हो, मेरे समझ नहीं आया कुछ अभी, हो सकता है रीजन होगा आपका अलग। आई विश आपके पड़ोसी भी आप पे प्राउड फील करें और आपकी फैमिली भी आप पे प्राउड फील करे, बट वंस अगेन, क्या उस प्राउड की फीलिंग की कोई इमेज हमारे दिमाग में बन सकती है? मेरे ख्याल से नहीं। फिर आए हमारे लास्ट स्पीकर, कहाँ गए? मेहुल साहब, आपको क्या चाहिए था? एक लग्जरी कार, शायद मर्सिडीज बेंज, एक लग्जरियस फ्लैट, एक मर्सिडीज बेंज, है ना, ये कुछ चाहिए था? कार ही बोला था आपने, मर्सिडीज बेंज किसी ने बोला था फिर आप चार में से? मैंने सुना था मेरे कानों से, आई होप यू स्पोक, नो इशू। जो भी लग्जरी कार चाहिए, क्या आपने उसमें उसको ड्राइव किया अभी? नहीं किया। एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पर है, और ये मैं जानबूझ कर कहना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें। मैं आपको बताऊं, मैंने ड्रीम्स भी बहुत रिसर्च की एक्चुअली, लोग कहां मात खा जाते हैं ड्रीम्स ना पूरे होने के लिए। अगर आपको हाफ मैराथन में दौड़ना हो, इमेजिन कीजिए हाफ मैराथन में 21 किलोमीटर की होती है, मैं दो सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूं। सिचुएशन नंबर वन, आपने दौड़ना शुरू किया और आप दौड़ते जा रहे हो और 21 किलोमीटर पे पूरी होनी है आपकी दौड़, रास्ते में कोई सपोर्ट नहीं है आपको। दूसरी सिचुएशन क्या है, आपने दौड़ना शुरू किया, फर्स्ट किलोमीटर पे एक टेबल पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जिनके पास एनर्जी ड्रिंक है और जो आपको बता रहे हैं सर अब 20 किलोमीटर बची है। एक किलोमीटर बाद फिर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो आपको एनर्जी ड्रिंक सर्व कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं सर अब 19 किलोमीटर बचा है, सर 18 बचा है, सर 10 बचा है, सर 5 बचा है, सर 2 बचा है, कौन सी वाली सिचुएशन ज्यादा अच्छी लगेगी? फर्स्ट वाली, खड़े हो ना,
21 किलोमीटर दौड़ पाओगे आप? सुना आपने मैंने क्या कहा? पूरा सुनते हैं दोबारा से, जल्दी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाएगा। फिर से सुनते हैं, 21 किलोमीटर वहां से शुरू हुआ और आप दौड़ते जा रहे हो, और दूसरी कंडीशन, हर एक किलोमीटर पर लोग आपको एनर्जी ड्रिंक सर्व कर रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं सर 20 बचा है, सर 19 बचा है, सर 18 बचा है। फर्स्ट या सेकंड? अरे बदल गए, डरो मत यार, मैं यहां बैठ जाता हूं भाई, डरो मत, तुम्हारी जगह बैठ गया, डरो मत। कौन सी? सेकंड वाली। हाय हाय, एनर्जी मिलेगी ना, सही बोले, बैठ जाओ, थैंक यू। नाउ द पॉइंट इज व्हाट, व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, हम जनरली क्या कर रहे हैं, हम सपना इतना बड़ा ले रहे हैं जो मैराथन का आखिरी पॉइंट है। मुझे एक हेलीकॉप्टर लेना है, प्लीज, मैं किसी को डिफाई नहीं कर रहा हूं। मुझे एक मर्सिडीज बेंज लेनी है, मैं किसी को डिफाई नहीं कर रहा हूं। मुझे एक लग्जीरियस फ्लैट लेना है, मैं किसी को डिफाई नहीं कर रहा हूं। आप लग्जीरियस फ्लैट लो, उसको ड्रीम रखो, लेकिन इस बीच में छोटे छोटे सपने पूरे करते चलो ना यार। मैं आपको समझाता हूं कैसे। हाँ, मैंने एक फ्रिज खरीदा अपने घर में, हाँ मैंने अपने घर में एक एसी लगवाया, वाओ मैं अपने घर में एक एप्पल i7 लेकर के अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। मजा आएगा कि नहीं आएगा? जर्नी मजेदार लगेगी, कभी बोर नहीं होने को, एनर्जी मिलती रहेगी, चैन की सांस लेते रहोगे आप लोग। मुझे अगर रोड पे ड्राइव करना हो 100 200 500 किलोमीटर, यानी अगर मैं बात करूं भाई, अहमदाबाद यहां से रास्ता सड़क तो होगी ना, है यहां मुंबई से, और कौन कौन से कुछ मेजर स्टेशन हैं, सूरत से पहले बड़ौदा वापी, ओके कुछ मुझे याद हो गया। अब मैं जब यहां से अहमदाबाद के लिए निकला, कितने किलोमीटर होगा? 500, बोली में 500 किलोमीटर पक्का डन, ओके। पहली चीज, मैं जब अगर यहां से रात को 10 बजे निकलूं अपनी कार ड्राइव करके, तो क्या कोई ऐसी हेडलाइट है जो डायरेक्ट अहमदाबाद में मार के फेंकेगी? वो भी यही करती है साहब, 50 60 100 मीटर के रास्ते को आगे करती चली जाती है। यही तो होता है, यही लाइफ है और यही ड्रीम्स का महत्व है। आप छोटे छोटे सपने पूरे करो। दूसरा, जब आप शुरू करते हो अपनी जर्नी, वापी आ गया यार, अब तो बस 50 किलोमीटर कम हुआ, 450 बचाए, ऐसी करते हो नहीं करते हो, अब 400 बचाए, अब 300 बचाए, यही होता है नहीं होता है? आपको अपने सपनों का लेने का तरीका बदलना होगा सभी लोगों को। दिस इज माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू, दिस इज वॉट आई हैव एक्चुअली वर्कड अपॉन, कि लोग एक्चुअली बड़ा सपना रख लेते हैं, अब उसकी तरफ दौड़ पड़े कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत में कहीं ना कहीं इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि बड़ा सपना था 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन, रस्ते में एनर्जी मिली नहीं, रस्ते में उनको ताकत मिली नहीं, जिसकी वजह से वो धराशायी हो गए, राइट? आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और बैठ करके चर्चा कीजिए कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं। एंड बिलीव मी, एक बात मैं निश्चित कहना चाहूंगा, जो चाहते हैं वो लिखिएगा, आपके अपलाइन को इंप्रेस करने के लिए मत लिखिएगा कि देखो मैंने लिखा मर्सिडीज बेंज, अब मेरा अपलाइन तो खुश हो जाएगा। नो वे, दिस इज योर लाइफ, व्हाटएवर यू वांट, एंड प्लीज डोंट कॉपी दिस कि आपको भाई साहब को हेलीकॉप्टर चाहिए तो आपको भी हेलीकॉप्टर ही चाहिए ड्रीम में। नो, हिज ड्रीम इज हिज ड्रीम, योर ड्रीम शुड बी योर ड्रीम, राइट? अपना सपना होना चाहिए आपका, ओके? और उसके पास उनके साथ बैठ करके पूछिए कि भाई ये बताइए पॉसिबल कैसे है। मुझे आप चारों में से किसी एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, शायद सुजीत आपने कहा था, मुझे पता है उसकी कॉस्ट कितनी है। यू टोल्ड अबाउट दिस ना? यस, आप ही ने बोला था कि वो मुझे पता है कितने की आएगी। आपको पता होना चाहिए कि हर वो सपना जो आप फॉरएवर से पूरा करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जैसा आपको बताया गया, हर सपने की कोई प्राइस टैग होता है। जो सपना आप ले रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। फाइनली मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं आपसे कहूं निशाना लगाओ तो आपका सवाल क्या होगा? कहां, है ना? अभी मैं आपसे कहता हूं ये जो पेन है इसके सिल्वर पॉइंट पे निशाना लगाओ, क्या दिख रहा है आपको? ये ब्रेन है आपका, जो बताओगे काम वैसे करेगा। स्पेसिफिक हम होते नहीं है, ब्रेन भी बेचारा ऐसी चल रहा है जैसे कि आपने अपनी आंखों पे बांध लिया बहुत मोटी काली पट्टी और आप दौड़ के लिए निकल पड़े। कहां पहुंचोगे? नहीं, कहीं तो पहुंचोगे, कंधे पे। ये एक्सपीरियंस बोला सर, ये एक्सपीरियंस भाई बोला है,
कहीं नहीं, क्यों नहीं भाई, कहीं तो पहुंचो, घर से निकले तो कहीं तो पहुंचेंगे, सर कहते हैं कंधे पे। सो द पॉइंट इज, आपको अपने सपनों के लिए स्पेसिफिक होना पड़ेगा, अंधी दौड़ में मत भग जाइए, अपने सपनों के लिए स्पेसिफिक होइए और पूछिए कि ये कैसे पॉसिबल है। ओके, इससे देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिंक अबाउट योर किड्स, थिंक अबाउट योर फैमिली एंड थिंक ओनली वन थिंग, थिंक अबाउट योर फ्यूचर। जब आप फॉरएवर करने की शुरुआत करने के मूड बना रहे हैं तो कुछ चीजें जरूर ध्यान रखिए, ये बिजनेस आप किसके लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको दिमाग में लाइए हमेशा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा घर खरीदना चाहता हूं फॉरएवर से, ये भी मेरा ड्रीम है, तो इमेजिन कीजिए कि वो पल जिस समय आपने घर खरीद लिया अपने सपनों का और आप अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ उस घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए उस फीलिंग को, आपके अंदर का उत्साह बढ़ा देगी वो इस बिजनेस को करने का। ऑलवेज जब आप इस बिजनेस को कर रहे हैं थिंक अबाउट देम, मैं आज अगर आपसे बातें कर रहा हूं दे आर विद मी ऑलवेज, राइट? सो द पॉइंट इज, आपको हमेशा उनको सोचना है। और एक चीज और सोचिए, 31 पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसके बाद, अगर FLP नहीं तो और क्या, इफ नॉट FLP देन वॉट? मैंने आपसे 31 पॉइंट डिस्कस किए थे अभी, एंड दोस 31 पॉइंट्स, उसमें मैंने सबसे आपसे क्या डिस्कस किया, फॉर एवर में क्या क्या फीचर्स हैं। आप उनको एनालाइज करते हुए सोचिए कि अगर मेरे लाइफ में फॉर एवर नहीं है तो मुझे और क्या चीजें हैं जो मेरे सपनों को पूरा करने में हेल्प कर सकती हैं। आंसर मिल जाएगा आपको आसानी से। मैं सब बातें आपको क्यों कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका कन्विक्शन। कन्विक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा दृढ़ निश्चय, बड़ा भारी शब्द है ये, आपका दृढ़ निश्चय चाहिए, राइट? अगर आपका दृढ़ निश्चय आ गया तो आप इस बिजनेस को कर लोगे, और ये कन्विक्शन आपको आएगा तब जब आप इस बारे में सोचोगे कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं अपने परिवार के लिए, इस बिजनेस को कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, और मैं जानता हूं कि फॉरएवर इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, और मैं जानता हूं मेरे पास फॉरएवर के अलावा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई है भी नहीं, राइट? तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली एक कमिटमेंट आना शुरू हो जाएगा कि यस, अब मुझे फॉरएवर को टाइम देना है, बिजनेस करना है। अटेंड ट्रेनिंग्स, आई होप यू आर अटेंडिंग ट्रेनिंग्स, एम आई राइट सर? लोग अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग्स, पक्का? आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। देखिए, मैं थोड़ी देर पहले भी इस बात को कह रहा था, मैंने आपको 31 पॉइंट्स बताए थे। फॉरएवर इज सच ए वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहां पर फॉरएवर खुद आपको ट्रेनिंग दे रही है, लगातार ट्रेनिंग दे रही है, इतने अच्छे माहौल में ट्रेनिंग दे रही है। किसी को पसीना तो नहीं आ रहा? अरे बाबा, मैं ना अभी मेरे होटल से यहां तक पैदल आया था, बहुत देर लग गई थी सही तो पूरा होने में। एक्चुअली ऑटो वालों ने भी मना कर दिया, रिक्शा और टैक्सी वालों ने मना कर दिया, बोले जी 500 मीटर का डिस्टेंस है बाबा, आप पैदल चले जाओ। और मैं 500 मीटर चल के आया, भयंकर गर्मी लगी, और यहाँ कितना मस्त लग रहा है, नहीं? कोट पहन रखा है, टाई लगा रखे, जरा सा अंदर भी पसीना नहीं, आपको कहाँ आ रहा होगा। इतने बढ़िया माहौल में कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है, और इतने बढ़िया बढ़िया पीछे दिग्गज, आई सैल्यूट ऑल ऑफ यू सर, ऑल द ट्रेनर्स, कैन यू प्लीज क्लैप फॉर देम, ऑल द ट्रेनर्स हू आर सिटिंग बिहाइंड, जितने भी ट्रेनर्स हैं तो प्लीज खड़े हो जाएंगे आप लोग, प्लीज क्या आप इनके लिए तालियां बजा दें, थोड़ा हाँ मुंडी घुमा लीजिए, ये सब ट्रेनर्स हैं पीछे, जोरदार तालियां बजाइए इन लोगों के लिए। नाउ कितनी बढ़िया कंपनी है कि आपको ट्रेनिंग्स दे रही है, पर कंपनी तो दे रही है, लेना किसका काम है, किसके लिए? इनके लिए नहीं, अपलाइन के लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए ट्रेनिंग लेनी है मेरे को, बिकॉज दिस इज माई बिजनेस, नो वन एल्सेस बिजनेस। जिस दिन ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी ना, ये मेरा बिजनेस है, किसी का बिजनेस नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कभी कभी ये बताया, यार मैंने इतना बिजनेस करा, अपलाइन को कितना चेक आएगा, इतना आएगा, ओ थोड़ी देर बाद में करूँगा। जिस दिन ये फीलिंग आ जाएगी, ये मेरा बिजनेस है, मेरा चेक बढ़ेगा, मेरे सपने पूरे होंगे, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, मैं अपना घर अच्छा खरीद पाऊंगा, मैं अपने लिए अच्छी कार खरीद पाऊंगा, मैं हेलीकॉप्टर खरीद पाऊंगा, सुजीत भाई, राइट? उस दिन आपको ऑटोमेटिकली वो कन्विक्शन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट? तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करनी है, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टेक, उसके बाद आप लोग कुछ मत लेते हैं। देखिए, अगर मुझे डॉक्टर बनना है
अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना होगा, कोई बताओ मुझे, कोई है यहाँ पे डॉक्टर बैठे साहब, डॉक्टर साहब कोई, डॉक्टर साहिबा, किसका, बीबीएस का, एमबीबीएस का कोर्स करना होगा, यानी कि मैं एमबीबीएस का कोर्स करूँगा और मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, है ना। साथ ही साथ जो एमबीबीएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए रिक्वायरमेंट है, जब मैं वो पूरी करूँगा तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, है ना। मुझे इंजीनियर बनना है तो सेम आईआईटी या कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। मुझे अगर टीचर बनना है तो, मुझे अगर टीचर बनना है तो टीचर बनने का एग्जाम देना होगा, टीचर के लिए पढ़ाई करनी होगी, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा जो टीचर बनने के लिए जरूरी है। मुझे सक्सेसफुल फॉरएवर बिजनेस ओनर बनना है, मुझे सक्सेसफुल मैनेजर बनना है, मुझे सक्सेसफुल सीनियर मैनेजर बनना है, मुझे सक्सेसफुल सोरिंग मैनेजर बनना है, तो मुझे क्या करना होगा, क्या बात, आप इधर आओ, आप इधर 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ, आ जाओ, क्योंकि मेरे सारे जवाले, सारे जितने भी जवाब हैं वो इस आवाज से आ रहे हैं जो आपको सुनाई दे रही। कम ऑन कम ऑन कम ऑन यंग मैन, प्लीज डोंट शाई ऑफ इट, आ जाओ, आ जाओ, कूद के आ जाओ, किसी के गाते के सिर पे लगे कोई बात नहीं है, आ जाओ सर, जगह दे दो इस बच्चे को, आ जाइए इधर से, आ जाइए, देखिए आपका शुभ नाम राहुल, आ जाइए, आ जाइए, जोरदार तालियां राहुल के लिए। तो मैं ही मानूं राहुल, अब आपको समझ में आ रहा है कि अगर मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो मुझे इस बिजनेस के लिए, वैसे जैसे भी हम बात कर रहे थे आज पहली बार मुझे मेरे से लंबा आदमी मिला है तो मुझे ऐसे बात करनी पड़ रही है। तो जैसे अभी बता रहे थे आप, टीचर बनने के लिए उतनी टीचर वाली रिक्वायरमेंट, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर, डॉक्टर, तो अगर मुझे फॉरएवर में एक अच्छा सक्सेसफुल मैनेजर या सीनियर मैनेजर बनना तो मुझे भी वही काम करना होगा, वैसे ही काम करना होगा जो इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। हाँ या ना? Yes. हाँ या ना? Yes. हाँ या ना? Yes. थैंक यू राहुल, राहुल। अब जब आपने इतनी सारी कस्में खा ली तो कुछ हम भी कस्में और ले लेते हैं। लोग आपको मना करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे को क्यों बता रहे हो, अपने आप को बताओ ना। लोग आपको मना करते हैं तो कर लेने दो, थोड़ा काम करने के तरीके को जरूर बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कभी पढ़ा कि साहब एनओ नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मैं इसको मानता नहीं हूं, सॉरी जो भी कहते हैं उनको। मेरा मानना है अगर किसी ने आपको नो कहा है तो आपको चेक करना होगा उसने नो क्यों कहा है। ओके, कहीं आपके कहने के तरीके में, कहीं आपके क्वेश्चंस में, कहीं आपकी बात में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। एक लड़के का शादी होनी थी, थोड़ा फनी सा एग्जांपल याद आ गया मुझे। एक लड़के की शादी होनी थी तो वो लड़की देखने के लिए गया। आप भी गए होंगे जिनकी, किन किन की शादी हो चुकी। अरे बड़ा ये ना शादीशुदा लोगों से सवाल नहीं पूछना चाहिए, वैसे बड़ा मुश्किल जवाब होता उनके लिए। कितने लोगों की शादी हो चुकी यहाँ पे? हाँ हाँ, तो आप सब गए होंगे है ना, राजगुरु साहब लड़की देखने नहीं गए थे हैं? क्या बोला इन्होंने? अच्छा ओ तेरा बुलाओ, ओ तेरा बुलाओ। अब वो एक लड़के की जिसकी शादी होनी थी, मतलब उसको क्या था, लड़की देखने जाना था, तो लड़की देखने गया। तो अब थोड़ी देर बाद लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप को लड़का पसंद आ गया, लड़के के माँ बाप को लड़की पसंद आ गई, तो उन्होंने कहा आपस में बातें कर लो। अब बातें करते समय अब दोनों अकेले बैठे हैं, बातें सुनो क्या हो रही हैं। लड़का क्या पूछता है, ब्यूटी पार्लर में जाती हो? उन्होंने कहा कितना खर्चा होता होगा ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा, कोई अफेयर तो नहीं है? क्या क्या सवाल कर रहे हो, जिट पक, रिश्ता नहीं हुआ। अभी दूसरी जगह भी गया, इसने सेम सवाल किया, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। अभी 50वीं जगह गया, सेम सेट ऑफ क्वेश्चन, क्या इसका रिश्ता तय हो जाएगा? गलती क्या है? यू नो इट, रॉन्ग क्वेश्चंस, सेम वे। अगर आपको लोग मना कर रहे हैं तो कमी फॉरएवर में भी नहीं है, कहीं ना कहीं आप कुछ गलत चीजें कर रहे हो, कुछ गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उनको करेक्ट करने की जरूरत है। ये मत सोचो इसने मैंने कहा कोई बात नहीं, इसने मैंने कहा कोई बात नहीं, इसने मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई तो मिलेगा आएगा, कोई नहीं आएगा। आपको करेक्ट करना होगा, बिलीव मी, आपको अपने काम करने के तरीके को चेक करना होगा कि क्या मैं सही तरीके से चीजें कर रहा हूं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं।
कहीं मैं अति से ज्यादा तो नहीं बता रहा हूं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग तो प्लान दिखाने बैठते हैं और वो एक घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा प्लान दिखाए पड़े उसके घर में, उसकी वाइफ आरती उतारे भगवान इसे भेज घर से, जा ही नहीं रहे यहां से। अब वो कह रहे नहीं आज ही आया यार हाथ में, इसके बाद मिलेगा नहीं, आज ही बता ले इसको। बिलीव मी, आपको अपने जो लोगों को ज्यादा ना सुनने को मिल रही है वो ये मत सोचो नहीं यार मेरे को अगला ना नहीं बोलेगा, अगला तो हाँ बोलेगा। देखो मैं आपको बताऊं इससे नुकसान क्या होगा, हर आदमी का एक सब्र का बांध होता है, वो टूट जाता है, ओके। और वो सब्र का बांध टूटे ना, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग यकीन के साथ इस बात पर फोकस कीजिए, अगर मुझे लोग मना कर रहे हैं तो मैं अपने आप को थोड़ा और करेक्ट करना शुरू कर दूं, ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू कर दूं, ओके। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करनी और आपको इस बिजनेस के अकॉर्डिंग ढलना है। फाइनली कहानी सुनाता हूं, उसके बाद हमारा सेशन खत्म होता है। एक साहब थे, आपने सुना होगा ये कहानी जरूर से, लेकिन फिर भी बताता हूं आपको। एक साहब थे, उनको उनके पास एक रेसिपी थी, वो व्यक्ति करीब 60 साल के थे, 65 साल के सॉरी 65 साल के थे वो, दिवालिया घोषित हो चुके थे और इनको लगन थी कुछ करना है मेरे को लाइफ में, कुछ करना है, कुछ करना है। तो इनके पास एक रेसिपी हुआ करती थी, उस रेसिपी को लेकर के वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचे कि साहब मेरे पास ये रेसिपी, आप इससे बनाइए खाना, बड़ा मजा आएगा। भगा दिया, 65 साल का आदमी रेसिपी लेकर के पहुंचा, भगा दिया उसको, चल भगा दे। वो पांचवी दो तीन चार पांच जगह मना हुआ उसको, वहां भी मना हो गया, फिर चार पांच जगह और गए वहां भी मना हो गया, 50 जगह गए मना हो गया, 100 जगह गए मना हो गया। 65 साल का आदमी 100 जगह मना हो चुकी है लेकिन फिर भी जा रहा है। अगर आपको 100 लोग मना कर दे तो क्या आप जाओगे 101 के बाद? सही से बताना, सही से बताना। इस व्यक्ति को 500वें व्यक्ति ने मना किया, इस व्यक्ति को 1000 व्यक्ति ने मना किया, इस व्यक्ति को 1008 लोगों ने मना किया और 1009 व्यक्ति ने कहा ओके आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट योर रेसिपी। नाउ द मेजर पॉइंट वाज, इस बंदे को अपनी रेसिपी पे बहुत फक्र था कि जो रेसिपी मेरे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, राइट? हुआ क्या कि जिस 1009 व्यक्ति ने इसकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया वहां रेसिपी चल पड़ी और इस व्यक्ति का नाम था कर्नल सैंडर्स और ये व्यक्ति मालिक था KFC का। ये रियल स्टोरी KFC की है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास एक दुनिया की बेस्ट रेसिपी है, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यू हैव टू हैव दैट फेथ इन यू एंड वंस अगेन टू सेल दैट रेसिपी यू हैव टू हैव दैट गट्स। आपको उन गट्स को डेवलप करना होगा। लोग अगर आपको मना कर रहे हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको मना कर रहे हैं, अपने वे को करेक्ट करते चले जाइए। लोग मना करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हर बार आप अपने तरीके को चेक कर लीजिए, एनालाइज कीजिए एंड देन यू विल फाइंड बेटर रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। यस, आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आई रियली लाइक द सेशन यू ऑल हैव अटेंडेड। इतने आराम से अगले पौने तीन घंटे तक किसी एक व्यक्ति को सुनना एक चेयर पर बैठ करके इज रियली सैल्यूटेबल टास्क। तो सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।